दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान के सभी डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स को बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रणव पांडे, आज का होस्ट। और आज पूरे हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक नया सुनहरा दिन होने वाला है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो आज आपको मिलने वाला है, और उसमें छोटा सा कारण मैं अपने तरफ से जरूर बताना चाहूंगा। दोस्तों, हम सभी लोग इस इंडस्ट्री में सफल होने की संभावनाओं को लेकर के इस बिजनेस में आते हैं। संभावनाओं की दृष्टि से, कल्पनाओं की दृष्टि से, और हर इंसान अपने जरूरत के हिसाब से इस इंडस्ट्री को समझता है, और इन सारे जरूरतों को समझने के लिए हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, परस्पर क्या चीजें सही होनी चाहिए और किस पॉइंट पे हमें समझने की जरूरत है, संभालने की जरूरत होती है, इन सारी बातों से हम आपसे रूबरू कराने वाले एक जबरदस्त पर्सनालिटी से। और इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, इससे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ, चाहे वो फैमिली मेंबर्स आपके घर के हो, चाहे बिजनेस के हो, सभी लीडर्स को आप जरूर ये लिंक भेजें, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे बिजनेस से कनेक्ट हुआ है या होने की संभावना है या होने वाले हैं, कोई व्यक्ति आज के इस दिन से अगर वो थोड़ा भी वंचित रह गया, तो मैं इस बात का जरूर विश्वास दिलाता हूँ अपने जीवन में बहुत कुछ वो खो जाएंगे। अगर वो इस पल, इस मोमेंट का हिस्सा आप में से उन लोगों को आपने बना दिया, तो उन लोगों के सपनों जैसे जिंदगी प्राप्त करने में संभावनाओं की जो चांसेस है वो 100% नहीं, बल्कि मैं कह सकता हूँ 200% चांस। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वंस अगेन कि आप इस लिंक को अपने लोगों के माध्यम से उनके लोगों तक पहुंचाए, अपने लीडर्स को डालें, अपने ग्रुप में डालें, हर फ्रेंड तक भेजें, ताकि कोई मैसेज पढ़ने से, देखने से और आज का सेशन सुनने से रोक न पाए अपने आप को, कोई वंचित न रह जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हम इस इंडस्ट्री को जानते ही नहीं है। इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, क्या दे सकती है दोस्तों, और इसकी संभावनाएं कितनी बनाई जा सकती है, इसका भी अनुमान नहीं होता। और जनरली हम जब इस बिजनेस को देखते हैं, तो हम उनसे जाके इस बिजनेस के बारे में पूछते हैं जो हमारे नियर डियर होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जितने भी नियर डियर लोग होते हैं, वो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं और हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, हम अपने लोगों के रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं,
हम उनकी बातें बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। हमारे वो माता पिता हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जिनकी उम्र काफी वक्त हो चुका है, वो अपने जीवन में 50-55-60 साल के बच्चे, यंगस्टर 20-22 साल के आज के डेट में आईटी फील्ड में या किसी जॉब में है। तो हम जब अपनों के बीच में इस बिजनेस के बारे में जब राय लेने जाते हैं तो हर इंसान इस बिजनेस के बारे में अलग अलग ढंग से राय देता है। सबके अलग अलग तजुर्बे होते हैं अपने जीवन के, और अपने तजुर्बे के अनुसार इस बिजनेस को एनालिसिस करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आपके सवाल और जवाब एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्होंने हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग में न कि नाम में बनाया है, न कि सिर्फ एक पहचान बनाई है, जबकि उनके शिक्षक के रूप में, उनके शिक्षण से, उनके सहयोग से, उनके डायरेक्शन से लोगों ने भी पहचान बनाई। आप सोच के देखिए कि मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बादशाह कहना बहुत छोटा शब्द होगा। और हमारे साथ इस पैनल पर हमारे साथ वो गुरुजी बने हुए हैं जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के मात्र 5 साल के अंदर 6 लाख से ज्यादा नेटवर्क को सर ने बनाया। और स्वागत है गुरुदेव आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका हमें देने के लिए आज के इस पैनल। सर थैंक यू सो मच प्रणव सर। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शानदार सेशन में इतने अच्छे और बेहतरीन प्लेटफॉर्म में आपने ऐसी सोच बनाई कि ऐसे जगह पे भी बैठ के हम लोग कुछ ऐसा डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि जनरली आज के समय में जो नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री के जो लोग हैं, अगर उनकी कहीं ग्रोथ थोड़ी पीछे हो रही है और उनकी अगर बिजनेस में कहीं डेवलपमेंट में कोई कमी हो रही है, तो इसका एक बहुत बड़ा वजह होता है लोगों के अंदर नॉलेज की कमी होना। तो आज मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि हमने इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखा है। हाँ, मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर एक लर्नर हूं और आज के इस बातचीत के सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कुछ बातें जानने का, कुछ बातें समझने का। क्योंकि मेरे पास लगातार कई दिनों से बहुत सारे कॉल आ रहे थे, कई लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे और समय की व्यस्तता या आप जो भी समझे वो ना हो पाने के वजह से हम लोग सही तरीके से उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो हमने लगभग जब इस सेशन की शुरुआत होनी थी तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कलेक्ट किए हैं और वहां से जो चीजें निकल के आ रही है, जो दिखाई दे रही है, वो बहुत बड़ी चीज है। और आज हम सारे लोग उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसी पॉइंट पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। बिल्कुल गुरुदेव। गुरुदेव जो पूरे आपके इस, जब से गुरुजी पिछले 3 दिन से ये प्रमोशन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, गुरुजी आपका समय चाहिए, कीमती समय, क्योंकि टीम में ये सवाल समाज के अंदर लोगों का सवाल गुरुजी जो बन रहा था, उसके साथ सिलसिला गुरुजी आपका ये करना बहुत जरूरी भी था। गुरुजी आपका समय देने के लिए सबसे पहले तो हमारे पूरे इंटायर नेटवर्क से, हिंदुस्तान के पूरे डायरेक्ट सेलिंग की तरफ से गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है आपने अपना कीमती समय निकाला। और गुरुदेव लगभग सवाल जो कलेक्ट हुए हैं टोटल 5,000 सवाल से भी ज्यादा है। गुरुजी 5,000 से ज्यादा सवाल है? हाँ गुरुदेव, मैंने कैलकुलेशन किया, मैं सुबह लगभग 9 बजे से बैठा हूँ, ये सारे सवाल को मैंने स्टडी किया। ओके, सवाल गुरुजी निकल के आए हैं। लेकिन गुरुदेव उन सभी सवालों में से कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवाल गुरुजी, कुछ सवाल है जो लगभग 10% उसमें से मैं छाट के निकाला हूँ, जो मुझे लगता है कि इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में गुरुजी ये सवाल अगर आपके द्वारा मिले तो जितने भी भाई बंधु बहन है यहाँ पर सभी लोग अपने डायरेक्ट सेलिंग गुरुजी करियर आप जैसा बनाने की संभावना है गुरुजी, बन सकते। हम लोग जरूर चाहेंगे सर कि उन प्रश्नों का जवाब जितना अपने से बन सकता है हम लोग कोशिश करते हैं एक एक करके उन सारे प्रश्नों का जवाब देने का। और इसमें कुछ प्रश्न के जवाब हम लोग खुद देंगे और कुछ प्रश्न के जवाब हम लोग एक्सपर्ट के माध्यम से भी देंगे। और मुझे लगता है कि अच्छे एक्सपर्ट तो आप खुद ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं। अभी हमारे साथ लगभग 1200 लोग कनेक्ट हो चुके हैं और बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने इस तरह के प्रश्न यहाँ पे भेजे हैं, इस तरह के क्वेश्चन लोगों के आते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको इस सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू होने से पहले, क्योंकि प्रश्न आपके हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग जान ही रहे होंगे कि आपके क्या प्रश्न है और आप लोगों ने कैसे किस तरह की क्वेश्चन पूछी है। सबसे पहले तो जो अपने आज की सेशन का जो मेन मकसद है वो मकसद है लोगों को
इस इंडस्ट्री के बारे में जो छोटे छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं जिसकी वजह से लोगों के बिजनेस डाउन हो रहे हैं, तो हम लोग आज मिलके कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, ताकि ये जो छोटी सी समस्या है वो छोटी सी समस्या उनकी 100% सॉल्व हो जाए और आने वाले समय में उनका एक अच्छा करियर इस इंडस्ट्री के अंदर बन जाए। और मैंने अक्सर देखा है लगभग 3-4 हजार प्रश्न हमारी टीम्स ने कलेक्ट किए थे, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लोगों के आ रहे थे और वो कॉमन क्वेश्चन मुझे पता है केवल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोग के अंदर इस इंडस्ट्री की में एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने इस इंडस्ट्री को जिया है और इस इंडस्ट्री को पल पल सीखा है। आज इस बिजनेस को अगर यहां तक कर पा रहे हैं, आज अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट है, तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने इस बिजनेस को जिया है और पल पल इस बिजनेस में कोशिश किया है कि हर समय अपग्रेड करें, अपने आप को सिखाएं और सीखने की कोशिश करें। लेकिन वो बातें मैं नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके माध्यम से वो बातें आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए प्रणव सर, आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। थैंक यू वेरी मच गुरु जी वंस अगेन। और जी, सबसे जो पहली चीज है वो सवाल है जो सेलेक्टेड हमने किया, हम साधे गुरु जी सीधा इस विषय को समझना चाहेंगे और आपके माध्यम से गुरु जी जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, गुरु जी, हम जैसे लोग जिस इंडस्ट्री में आते हैं और जहां पर हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होती, ऐसे इंडस्ट्री में हम आ जाते हैं और तब सलाहकार बहुत हो जाते हैं और इस सलाहकार को जैसे गुरु जी सवाल पूछाए हैं समाज के अंदर हमारे लीडर्स ने सिस्टम में, सबसे जो पहली जो चीज है गुरु जी सवाल है, ये हमारे गाजीपुर से हमारे एक लीडर ने किया है कि सर जब तक अपलाइन जो टीम बनाता है अपने डाउनलाइन के सारे बात मानता है और उसको उसके अनुसार सवाल जवाब करता है, उसके अनुसार सारी राय देता है, चलो जी ठीक है कर लो, जब एक दिन उस डाउनलाइन को अपना अपलाइन अपने सिस्टम में ढाल करके उसको आगे बढ़ाने की बात करता है तो उस दिन वो डाउनलाइन के लिए वो अपलाइन खराब हो जाता है। यानी सर जब तक अपलाइन डाउनलाइन के लिए उनके हिसाब से चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन वो अपलाइन उनको कह रहा है सर अब ऐसे नहीं वैसे चलो यहां से बिजनेस बड़ा हो सकता है, ऐसा करके गुरुजनों ने अच्छा काम किया, तो वही डाउनलाइन के लिए अपलाइन बुरा हो जाता है। गुरु जी ऐसा क्यों होता है? देखिए प्रणव सर, ये एक्चुअल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जी। और ये एक्चुअल क्वेश्चन एक बीमारी है, मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, और बहुत सारे लोग जो हैं इस बीमारी के शिकार होते हैं। अब आप सोचिए, जब एक बंदा इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन होता है तो बड़ा निगेटिव होता है ज्वाइनिंग से पहले, तो वो अपलाइन होता है जो उसको उस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव करता है, उस बंदे को इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस बताता है, उसको कैसे आगे बढ़ना चाहिए हर चीज बताता है। और एक पल ऐसा भी होता है कि जब किसी के घर वाले, मतलब इवन उसके मम्मी पापा माँ बाप, हर कोई विरोध कर रहा होता है, तुम मत जोड़, दोस्त टांग खींच रहा होता है, वैसे टाइम एक इंसान होता है जिसे हम अपलाइन बोलते हैं, वो आता है और समझाता है, ज्वाइन होता है, उसके साथ काम की शुरुआत करता है। हमें प्लान देना नहीं आता, हम अपलाइन को बुलाते हैं, उसे प्लान दिलवाते हैं और स्टेप बाय स्टेप करके उसे हम डेवलप करते हैं। तो इनिशियल लेवल पे चूंकि नॉलेज कम होती तो लोग अपलाइन की हर बात को मानते हैं, हर बात जैसे बोलता है अपलाइन लेफ्ट चलो तो लेफ्ट चलते हैं, बोला राइट चलो तो राइट चलते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट जो अपलाइन की होती है उसको लोग एग्री करते हैं, यस सर सर मैं बिल्कुल करूंगा, इस तरह की बातें लोग करते हैं। लेकिन अब यह समस्या कहां से आती है कि जैसे जब लोगों की लेवल बड़ी हो जाती है और खास करके वो थोड़े से अपलाइन से अगर थोड़े स्मार्ट होते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी का अपलाइन थोड़ा सा उनसे कम तेज हो और वो फिर बंदा थोड़ा सा जब स्मार्टली बिजनेस की ग्रोथ करता है तो एक ईगो आ जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ सफल होना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सफलता को डाइजेस्ट कर पाना। तो लोग जब सफल होने लगते हैं तो एक ईगो भी उनके अंदर आ जाता है कि मैंने सब कुछ किया था। और ये खास करके एक रैंक अगर मैं बात करूं तो जब 4-5 लाख इनकम को जब बंदा क्रॉस करता है ना, उसके बाद ही यही होता है। और मैं रियल बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा होगा, ये किसी सीनियर लीडर्स ने पूछा होगा जो अपने डाउनलाइन की इस कंडीशन को देखा होगा, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज तो अगर ऐसा आपकी टीम बोलती है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका रीजन समझिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बंदा कुछ भी नहीं था, अभी जब उसने बिजनेस को अच्छे तरीके से सीखा है तो कुछ चीजों को जब वो एक्सेप्ट किया है तो एक ईगो उसके अंदर आ गई है। अब वो डाउनलाइन नहीं बोल रहा है, उसकी ईगो ऐसी छोटी बातें बोल रही है,
तो ऐसे में तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वक्त सबको सिखा देता है। आपको अपनी टीम को एजुकेशन में डालना है, आपको अपनी टीम के अंदर जो माइंड प्रोसेस है, जो बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे हम लोग LLT करते हैं, TTT करते हैं, ऐसे ट्रेनिंग मीटिंग्स में अपनी टीम को लाना है। और दोस्तों मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा जो इस तरह की हरकत करते हैं, याद रखना नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ही इंसान है जो आपका भला कर सकता है, वो है आपका अपलाइन। अब सब कुछ कर लेना, सबसे लड़ झगड़ जाओ, लेकिन अपलाइन के साथ अपने रिश्ते को कभी खराब मत करना, क्योंकि मेरे दोस्त ये वही इंसान है जिसने आपको इस इंडस्ट्री में मार्ग दिखाया। चलो हो सकता है कि अभी आपके साथ काम ना कर पा रहा हो या कर रहा हो, व्हाटएवर जो भी रीजन हो, लेकिन यही वो बंदा था जिसने आपको इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री के अंदर खड़े होकर कदम से कदम मिला के काम करना सिखाया था। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर किसी भी इंसान का आपके बिजनेस में 10% भी रोल हो, तो आपकी उस इंसान की वैल्यू को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए, उसको कम कभी नहीं होने देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अपलाइन को डीएडिफाइड करके, अपलाइन को डिमोरलाइज करके, डाउन करके आप अपने बिजनेस को खराब करते हैं। एक बहुत जरूरी होता है इकोसिस्टम डेवलप करना। और मेरे दोस्त, जब आपका इस बिजनेस में इकोसिस्टम डेवलप होगा ना, तो कल के डेट में रियल है आपको अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ सकती है। लेकिन वो इकोसिस्टम बनाने के लिए ये जो अभी एक्टिविटी आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं, यही एक्टिविटी, यही संस्कार आपकी टीम में जाता है और आपकी सिस्टम, आपकी बिजनेस का इकोसिस्टम, आपकी टीम का इकोसिस्टम डेवलप होता है। अच्छा इकोसिस्टम आपके बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाएगा और छोटा इकोसिस्टम आपके बिजनेस को खराब कर सकते हैं। तो आपको बचना चाहिए इन चीजों से। अगर आप अपने अपलाइन से काबिल हैं ज्यादा, तो आप अपना बिजनेस अपने दम पे कीजिए विदाउट डीएडिफाइड। डीएडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है आपको अपने अपलाइन की। तो मुझे लगता है कि इसमें तो जो सीनियर्स, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में किसी से वैल्यू लेने के लिए नहीं आए थे, हम सफल होने के लिए आए थे। और कोई अगर आपको वैल्यू ना देके भी अगर आपको आगे बढ़ाता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसकी मैच्योरिटी लेवल की कमी है, वो धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा। दूसरा, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए तो मैं बोलता हूं, आप रेड सिग्नल पे खड़े हैं, आप आगे भी गिर सकते हैं, पीछे भी गिर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को तो अलर्ट होने की जरूरत है। और ये प्रणव सर, मैं आपको बताऊं, ये एक जोन ही आता है जी, ये जोन आता ही आता है, अक्सर आता है। अगर हम SLPS में बात करें तो टोपाज, रूबी, स्टार सफायर और डायमंड्स, मतलब डायमंड बनने से पहले ये जो 4-5 रैंक है ना, ये हमेशा रेड जोन के रैंक में, बोलता हूँ रेड जोन में ये रैंक आता है। तो और इस रैंक में अगर किसी ने बचा लिया ना अपने आप, तो वो बंदा सफल हो जाएगा। और जो इस जोन में अपने आप को नहीं बचा पाया, बैलेंस नहीं कर पाया, वो डिस्टर्ब हो गया, उसका बिजनेस खराब हो जाता है, चला जाता है यहाँ से। तो ये चीज तो ऑब्वियसली आपको सुधारने की जरूरत है, सही करने की जरूरत है। ये दोनों के लिए मेरी एडवाइस है कि ये चीजें, अगर आप सफल होना चाहते हैं, आगे तक बढ़ना चाहते हैं, तो कभी भी जिंदगी में आपके अंदर ये बातें बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन किसका था? गुरुदेव गाजीपुर से सज्जन है, रमेश कुमार जी, ये उनका। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो रवि जी, आपको मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, बहुत सारे लोगों के। जी गुरुदेव, गुरुदेव एक सबसे शानदार सवाल यहाँ पे आ रहा है, जो मुझे लगता है कि जरूर इंडस्ट्री को समझना चाहिए। कि सवाल है गुरुदेव, गोरखपुर से एक सज्जन का सवाल है, लोगों का कहना है कि मिस्टर मानिक जी का, लोगों को लगता है कि जब कंपनी छोटी होती है तो उस टाइम में सपोर्ट बहुत मिलता है, ऐसे वो बड़ी होती है तो सपोर्ट नहीं मिलता जितना शुरू में सपोर्ट मिलता है, कंपनी पार्सल करने के बाद भी सपोर्ट नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो एग्जांपल दिया जी, ये मिस्टर मानिक जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो नियत होती है ना किसी भी कंपनी में, सपोर्ट मिलना ना मिलना, किसी भी अप्लाइंस से सपोर्ट मिलना ना मिलना, ये डिसाइड करती है एक नियत। कंपनी क्या है? कंपनी किसी इंसान की सोच है, उस इंसान की नियत है। अगर नियत अच्छे प्रोडक्ट की देनी है तो वो इंसान अच्छा प्रोडक्ट देगा, और अगर नियत घटिया बेकार प्रोडक्ट देने की है, तो चाहे आप कितनी भी जोर लगा दो, वो इंसान आपको घटिया और बेकार प्रोडक्ट ही देगा। ये नियत की बात है। वो बोलते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पार। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनिशियल लेवल पे सपोर्ट होता है, बाद लेवल पे सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों SLPS वेलनेस को मैं उस समय जानता हूं, उस समय से देख रहा हूं जब ये कंपनी बहुत ही छोटे लेवल पे थी,
और आज मैं उस कंपनी को उस लेवल पे जानता हूँ जब आज लगभग 550 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। उस समय से हम लोग इस संस्था को देख रहे हैं, इस संस्था को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो ये बात तो मेरे ख्याल से SLPS वेलनेस के लिए लागू होता ही नहीं है। और मेरा जो डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस है, आज 6 लाख लोगों का नेटवर्क का एक्सपीरियंस है, लगभग 7-8 साल मैंने इस इंडस्ट्री को दिया है। मेरा तो जो एक्सपीरियंस है, अगर आप इथिकल कंपनी के साथ कहीं भी काम करेंगे तो ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। ये किसी फ्रेशर का क्वेश्चन होगा जो बेकार फालतू टाइप की कंपनियों के अंदर अपने आप को डिस्टर्ब कर रहा होगा, उन्हीं लोगों का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करने की जरूरत है। गलत जगह पे हमेशा आपको धोखा और खराबी होता है और आपकी फ्यूचर खराब बनती है, आपकी टीम की फ्यूचर वहां पे चैलेंजिंग वर्ल्ड में अलग ही रहती है। तो आपको तो कोशिश करना है कि ऐसे गलत प्लेटफॉर्म से अपने आप को आप जरूर बचा के रखें, सही जगह सही प्लेटफॉर्म पे आप अपनी करियर लगाएं। क्योंकि यार कब तक आप भागते रहोगे, कब तक आप इस तरीके से परेशान होते रहोगे। बहुत जरूरी है, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े उन सारे लीडरों के से बोलना है, सबके साथ मेरा ये पर्सनल आह्वान है कि आप लोग प्लीज इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान दें। बार बार आप करियर लगाने के दाव पे नहीं खेल सकते हैं। कई लोगों को लालच मिल जाता है, जैसे मैंने बहुत देखा है, बहुत सारी जो नई कंपनियां आती है छोटी मोटी, वो तरह तरह की लालच दे देती है। भैया ट्रेनिंग देंगे फ्री, मीटिंग देंगे फ्री, तुझे ये कर देंगे, आईडी ग्रीन कर देंगे, ये बैलेंस कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये लोग समझ नहीं पाते। याद रखना, जो इंसान आपको लालच दे रहा है वो इंसान की आपसे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन, वो आपसे वसूल भी उतने सख्त तरीके से करेगा। वो आप कभी किसी वसूलदार के पास पैसे लेने जाओ तो बड़ी स्मूथली दे देता है पैसा, है ना। जो जितना आसानी से पैसा दे देता है, याद रखना उसके वसूलने का सिस्टम उतना ही टफ होता है। अगर कोई साहूकार आपको लोन बड़ी आसानी से दे देता है, समझ लेना उसके अंदर औकात है वसूलने की, वो बेवकूफ नहीं है इसलिए आसानी से दे देता है। फिर वो जब पैसा लेने की बारी आएगी तो आपके साथ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी पिछले 4-5 सालों के अंदर ये चीजें आई है। लोग सोचते हैं कि लालच दे के, या लोग सोचते हैं कि किसी को कुछ ऑफर दे के हम बिजनेस को बढ़ा लें, बिजनेस को बिल्ड कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिजनेस एक सिस्टम से डेवलप होता है, बिजनेस एक इथिक्स के साथ डेवलप होता है। कभी भी कोई भी लालच फैक्टर से थोड़ा बिजनेस डेवलप हो सकता है, बड़े लेवल पे काम किया ही नहीं जा सकता है। और अगर ये क्वेश्चन किसी SLPS परिवार से जुड़े हुए लोगों का है तो मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि आपको इन बातों से बिल्कुल फ्रेश तरीके से सतर्क रहने की जरूरत ही नहीं है, आपको आश्वस्त रहने की जरूरत है कि SLPS वेलनेस के अंदर ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, हमारे लीडर्स के अंदर ऐसा संस्कार गए हुए हैं कि आपको आज जिस तरीके से सपोर्ट, चाहे वो कंपनी सिस्टम प्रोडक्ट पेआउट का सपोर्ट हो, आने वाले 100 सालों के अंदर भी आपको इसी तरह का सपोर्ट मिलने वाला है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहिए और चिंता मुक्त तरीके से आप बिजनेस कीजिए। क्यों प्रणव सर? बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए गुरुदेव। गुरुजी बहुत बढ़िया सवाल का जवाब आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चलते हैं गुरुजी, कुछ सवाल हैं और ये हैं रसड़ा से गुरुजी, मिस्टर दीपक जी हैं जिनका, और बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने पूछा है कि सर कुछ लोग जो बिजनेस में हम उन्हें ज्वाइन करा लेते हैं, ज्वाइन कराने के बाद वो इस बिजनेस को फुल टाइम एज ए कैरियर देने में झिझकते हैं, और अगर उन्हें कहा जाए कि सर आओ मिलके काम करते हैं तो जनरली हर छोटे छोटे खर्चे का पैसा मुझसे मांगते हैं कि सर आप दो तो मीटिंग में जाऊं, आप दो तो मैं पेट्रोल भरवाऊं, आप दो तो मैं ड्रेस खरीदूं, आप दो तो मैं लैपटॉप लूं। तो गुरुदेव ऐसा क्यों होता है? ये एक्चुअल प्रणव सर ये है ना कि गलत आदतें जी गुरुजी, पिछले कुछ दिनों से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लीडर्स के अंदर आई हुई। और मैं आपको बताऊं, मैं बोलता हूं कि इसके जिम्मेवार हम लोग खुद ही हैं और कोई नहीं है। इसके जिम्मेवार हम वो लीडर्स हैं जिन लोगों ने लालच फैक्टर के साथ अपने बिजनेस को डेवलप किया, और उन्हीं की वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की इथिक्स भी खराब हुई है। अब आप खुद सोच के देखिए, आज आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद आप अपने अपलाइन से पैसा मांगते हैं मार्केट में काम करने के लिए, ग्राउंड में भागने के लिए। इसका मतलब यही है कि आज भी आप बिजनेस को खुद का नहीं समझ रहे हैं, आप इस बिजनेस को अपने अपलाइन का समझते हैं। और यही वजह है जो इंसान ऑनर बन के ये धंधा करेगा उसको पैसे भी ऑनर जैसे मिलेंगे, और जो इंसान इंप्लॉय बन के इस बिजनेस में काम करेगा उसको पैसे भी इंप्लॉय जैसे मिलेंगे। अब अगर आप ऑनर बन के ये बिजनेस करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जो इनकम है वो बहुत हाई लेवल की लगातार ग्रो करती हुई आएगी,
और अगर आप एक इंप्लॉय जैसा बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी इनकम 20,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 तक की आएगी। ये जो सबसे ज्यादा जो गेम है और ये जो प्रॉब्लम है प्रणव सर, ये जो मार्केट के अंदर लोगों की आई है, ये खास करके उन लोगों के अंदर आई है जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर काम किए होते हैं या किसी ऐसे जगह पे काम किए होते हैं जहां पे लोगों को ये हैबिट दिया जाता है कि चलिए ले 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, आप आ जा मेरे साथ काम कर, इतना बड़ा सेल दे दे। तो यहाँ पे क्या होता है, लालच फैक्टर चूंकि लगा होता है तो बहुत आसानी से बिजनेस निकल जाता है। लेकिन वो लोग जब एक इथिकल कंपनी में आते हैं, एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं, एक अच्छे पे आउट सिस्टम के साथ जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो उनके लिए एक समस्या क्रिएट हो जाती है कि लालच फैक्टर्स तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के अंदर है नहीं, तो यहाँ पर रिजल्ट निकालने उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं तो जिंदगी में हमेशा इस बिजनेस को अपना मान के काम कीजिए, अपलाइन को मान के मत काम कीजिए। अरे सोचिए, अगर आप एक दुकान खोले होते तो उस समय किससे जाते हैं कि भैया मुझे अगले दिन दुकान खोलना है, मुझे पैसे दो, मैं दुकान का शटर उठाता हूं। सोचने वाली बात है, आप किसके पास जाते हैं? अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करके एक ठेला भी लगाएंगे, अगले दिन उसके अंदर प्रोडक्ट लाके आपको इनरोल करना है, अगले दिन उस ठेला को चलाने के लिए, मैं छोटे बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो वहां पर हमारी डिपेंडेंसी किसके पास होती है? ये सबसे बड़ी निगेटिव पॉइंट है डायरेक्ट सेलर के लिए, खास करके आज के डायरेक्ट सेलर के लिए, कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये बिजनेस अपलाइन का है और इसीलिए हमारी जो डिपेंडेंसी है ये बहुत ज्यादा बनी हुई है। ऐसे लोग बहुत आगे तक नहीं जा पाते। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, जेन्युइन समस्याएं होती है, और उनके लिए तो मैं बोलता हूं अपलाइन को कि यार अगर आज आपने किसी को सपोर्ट करके, किसी को डेवलप करके उठा दिया तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपकी जेन्युइन नहीं है, उसके बावजूद भी आप इन गलत हैबिट्स के शिकार हैं, जहां पर बिजनेस एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, ग्राउंड में जाने के लिए आपको आदत हो गई है डिपेंडेंसी की, तो मेरे दोस्त मुझे लगता है कि इस आदत को आपको सुधारने की जरूरत है, इसको सही करने की जरूरत है। और ऐसे लोग कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं करते, क्योंकि जो इंसान इस बिजनेस को अपना नहीं मान सकता वो इस बिजनेस में बहुत बड़ा करियर लगा ही नहीं सकता। तो अगर इस टाइप की एक्टिविटी आपके साथ कोई भी इंडिविजुअल बंदा करता है तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले दो चीजें देखने की जरूरत है। सबसे पहले उसकी पर्सनल वैल्यूज क्या है, उसको आप समझिए। अगर उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो मैं बोलता हूं आप सपोर्ट कर दीजिए। डायरेक्ट सेलिंग में सपोर्ट किया हुआ, खर्च किया हुआ पैसा कहीं नहीं जाता, रिवर्ट आता है। लेकिन अगर उस बंदे की जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, वो आदत से लाचार इस तरह की एक्टिविटी करता है, तो आप इस लालच में बिल्कुल मत पड़ो कि कुछ दिन काम करेगा हमारा बिजनेस बड़ा हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर आपको ऐसे लीडरों को हाथ जोड़ना चाहिए, भाई साहब धंधा अपना मानिए, बिजनेस अपने कीजिए, तभी आपके लिए अच्छा होगा। और मेरा हिंदुस्तान के जो तमाम डायरेक्ट सेलर हैं जो इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, मेरा उनसे जरूर कहना है कि माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कभी भी आज से लेकर लास्ट समय तक आपको अपना मान के करना चाहिए। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। आपको इस बिजनेस को अपना मान के करना है, अपने तरीके से बिजनेस को कर कीजिए। अपलाइन को मत मानिए कि अपलाइन मेरा धंधा उठा देगा। अगर आपने अपनी जिम्मेवारी ले ली तो 100% अपलाइन आपका बिजनेस उठाने में जितनी ताकत लगानी चाहिए, जितनी जोर लगाना चाहिए, 100% वो जोर लगा के आपके बिजनेस को डेवलप जरूर करेगा। तो मुझे लगता है कि इनमें दोनों लोगों को जो जवाब मिलना चाहिए वो मिल चुका है, और इसके प्रति हमें लोगों को अवेयर करने की भी जरूरत है। सपोर्ट तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर आम लोग आते हैं, और आम लोगों को अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो बिजनेस में डेवलप हो नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इस टाइप की बहुत ज्यादा एक्टिविटी कोई भी लीडर्स कर रहे हैं तो फिर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है, और ऐसे में फिर आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन और सिचुएशन आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है प्रणव सर बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है कि इससे डायरेक्ट सेलर को अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिपेंडेंसी गुरुजी जब आती है तो डिमांड तो इंसान करता है, अपने पैरों पे जब खड़ा नहीं होगा गुरुदेव तो दिक्कत तो आएगी। बिल्कुल सही कहा गुरुदेव आपने। और गुरुजी इसी सिलसिले में हम आगे इसी कड़ी में आगे चलना चाहेंगे। गुरुजी एक सवाल है जिसका जवाब गुरुजी को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मुझे ये सवाल करना लग रहा है कि चाहिए गुरुदेव। ये सवाल उन्होंने कहा कि कंपनी अब एमवे वेस्टीज और अदर कंपनियों जैसी तो नहीं बन जाएगी आने वाले टाइम में। अच्छा, लोग एसएलपीएस के बारे में ऐसा बोल रहे हैं जी गुरुदेव।
मेरे दोस्त, इस दुनिया के अंदर मैंने बताया ना, कोई भी कंपनी गलत नहीं होती है, वो नियत की बात होती है। मैं किसी कंपनी को पार्टिकुलरली गलत नहीं बोलता हूँ, या किसी पार्टिकुलरली कंपनी को मैं सही गलत नहीं बोलता हूँ। SLPS एक अलग यूनिट है, SLPS एक अलग संस्था है, इसका कंपेरिजन हम कभी किसी कंपनी के साथ नहीं कर सकते हैं। हमारा शुरुआती दौर से ही विजन अलग रहा है, हमारा मिशन अलग रहा है, और यही वजह है कि आज हम लोग हिंदुस्तान के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग के रूप में उभर के आए हुए हैं। आज हिंदुस्तान की ये पहली ऐसी कंपनी है जिसने शुरुआती के 2 साल के अंदर अपनी खुद की फैक्ट्री खड़ा करके, सारे प्रोडक्ट अपने खुद ऑन मैन्युफैक्चरिंग करके आज मार्केट में लॉन्च की है। आपको इस बात से अंदाजा लगना चाहिए, आपको अचीवर गैलरी से इस बात का अंदाजा लगना चाहिए कि आज जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, SLPS वेलनेस के प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जब हम लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत किया था, उस समय कंपनी के अंदर 2016 में लगभग 6 प्रोडक्ट थे, और 6 प्रोडक्ट से आज लगभग 80+ प्रोडक्ट तक का जो सफर हमारी संस्था ने तय किया है, और सारे प्रोडक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग अपनी फैक्ट्री में तय हो रही है, और सारे प्रोडक्ट रिजल्ट दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहे हैं, ये चीज इस बात को दर्शाता है कि SLPS वेलनेस किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। आज अगर पिछले 5-6 साल की अगर हम जर्नी की बात करें, तो पूरी कंपनी के अंदर 250 से ज्यादा लग्जरियस कार अचीवर है, जो कि हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का खुद एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है, माय डियर फ्रेंड। तो आपको समझ में आनी चाहिए, बात दिखनी चाहिए, एक इंसान को सफल होने के लिए किसी संस्था किसी कंपनी के अंदर क्या चाहिए। सबसे पहला चाहिए एक अच्छा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के रिजल्ट, मार्केट में उस प्रोडक्ट की कोई कंपटीशन नहीं हो। आज हमारे सारे प्रोडक्ट, चाहे वो इम्यूनोडॉग हो, चाहे वो थंडर ब्लास्ट हो, चाहे काइनोडॉग हो, सारे के सारे प्रोडक्ट अपनी खुद की मैन्युफैक्चर है, सारे प्रोडक्ट खुद के R&D प्रोडक्ट है। इसका मतलब कि SLPS के प्रोडक्ट की कंपटीशन तो मार्केट में हो ही नहीं सकता, कोई आ ही नहीं सकता कंपटीटर। तो प्रोडक्ट के मामले में तो हम लोग नंबर 1 है, इसको कोई बीट कर ही नहीं सकता। आज हमारे पास जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट आए हुए हैं, चाहे हम लोग सॉप की बात करें, चाहे हम डिटर्जेंट की बात करें, चाहे हम डेली नीड्स के और भी प्रोडक्ट की बात करें, वो सारे प्रोडक्ट मार्केट की यूनिक प्रोडक्ट है। जनरली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो डेली नीड के प्रोडक्ट्स आते थे, उसके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि मार्केट की रेट को बीट नहीं कर पाती थी, यानी मार्केट की रेट के बराबर रेट की प्रोडक्ट हम नहीं दे पाते थे। इसकी वजह से पब्लिक की, एक तो डायरेक्ट सेलर जो थे उनकी मजबूरी होती थी कि यार चलो यहां से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे, लेकिन आम पब्लिक तक, आम यूजर तक ये प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन मेरे दोस्त, आज SLPS के प्रोडक्ट मार्केट के, जो डेली नीड्स के हमारे प्रोडक्ट है, मार्केट की जो प्रोडक्ट है उसको कम्पीट कर रहे हैं। अभी मैं एक जगह पे गया हुआ था गोरखपुर के अंदर, वहां मैंने देखा कि जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रीमियम क्वालिटी के चाय किसी शोरूम के अंदर रखे हुए थे, उसी जगह पे हमारे SLPS वेलनेस के भी चाय रखे हुए थे, और उस शोरूम के मालिक ने बताया कि सर हमने 600 चाय रखे हैं और ये 3 दिन के अंदर केवल 6 पीस बचा हुआ है। दैट मीन्स आप इमेजिन कर सकते हैं कि मार्केट में जो बड़े बड़े ब्रांड है, सो एंड सो, उस ब्रांड को कम्पीट करके अगर प्रोडक्ट वहां से निकली है, इसका मतलब अपनी क्वालिटी के दम पे निकली हुई है। आज अगर पे आउट सिस्टम की बात किया जाए तो 24 आवर के अंदर, पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है, 24 आवर के अंदर हमारी कंपनी, हमारी संस्था पे आउट को रिलीज करती है, लोगों के अकाउंट में पैसे जाते हैं। यार मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर इतना जबरदस्त मैनेजमेंट सिस्टम, आज अगर मैं प्रोडक्ट की डिलीवरी सिस्टम की बात करूं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर SLPS वेलनेस में, माई डियर फ्रेंड, लगभग 6 से 7 वेयर हाउसेस खड़े हो चुके हैं, 450 से ज्यादा आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्रेंचाइजी खड़े हो चुके हैं, CNF एजेंट हमारे खड़े हो चुके हैं। इतना जबरदस्त पावरफुल प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम अगर किसी कंपनी ने नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतने कम समय में किया, तो उसका नाम है SLPS वेलनेस। आज अगर मैं अचीवर रेट की बात करूं, कोई बोलता है पे आउट सिस्टम के ऊपर, तो पे आउट सिस्टम के अंदर जो अचीवर रेट है वो SLPS के जितने पावरफुल है वो किसी के नहीं है। आज पूरी कंपनी के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं 200 से ऊपर करोड़पति क्लब खड़ी हो चुकी है। पूरी कंपनी के अंदर लगभग 250 से ज्यादा लग्जरियस कार अचीवर्स हैं। हर वीक के अंदर, एक एक महीने के अंदर 10-10, 12-12 लग्जरियस गाड़ियां निकल रही है। जिस कोविड के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां ध्वस्त हो गई, जिस कोविड के अंदर लोग परेशान हो गए, वैसे जगह पे, वैसे कोविड के अंदर आज SLPS में काम करने वाले लोग, SLPS वेलनेस फाइटर्स लगातार लग्जरियस गाड़ियों के लाइन लगा चुके हैं। चाहे प्रोडक्ट, तो आप देखिए, चाहे प्रोडक्ट की बात करें, चाहे पे हम पे आउट की बात करें, चाहे हम अचीवर्स गैलरी की बात करें, हमारी संस्था शुरुआत से नंबर 1 थी, नंबर 1 है और आगे भी नंबर 1 रहेगी। तो यार अपना तो कोई कंपटीशन नहीं है, मैं किसी कंपनी के साथ अपनी कंपेरिजन नहीं करता हूँ। वी आर द यूनिक ब्रांड
एंड वी हैव यूनिक ब्रांड वैल्यूज। और मुझे पता है कि आज हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार सर की जो सोच रही है, मैं पर्सनली उनको जानता हूं, जो उनकी सोच रही है उस सोच के ऊपर दावे के साथ मैं आज आपको गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर 4 से 5 साल के अंदर आप देखिएगा स्लीपियस वेलनेस हिंदुस्तान की नंबर वन ब्रांड बन के मार्केट के अंदर आएगी और लगातार काम कर रही है उस तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये तो कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन है किसी की, तो आपको मेरे दोस्त जिन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, यू नीड नॉट टू कंफ्यूज योरसेल्फ, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, आप बेझिझक बेधड़क एसलीपीएस वेलनेस में करियर लगाइए और अपनी जिंदगी बनाइए। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव, इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए। बिल्कुल गुरु जी, हम सब फाइटर्स मिलकर इस बातों को पूरा फोकस करेंगे अपने करियर को लेकर के, और ये कन्फ्यूजन गुरु जी आपने दूर किया कि हम क्यों सबसे अलग हैं, क्यों सबसे डिफरेंट हैं, और क्या ऐसा कारण है कि हम लोग अपने कैरियर के इस बिजनेस में अच्छे से लगा करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। गुरुदेव आगे चलते हैं, जैसा कि मुझे लगता है गुरुदेव ये सवाल जवाब मैं खुद अध्ययन देना चाहूंगा अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल गुरुदेव, सवाल है ये सवाल है बक्सर से है, जैसे धनंजय कुमार ने पूछा है, टारगेट लॉन्च होता है तब जोर लगता है, लास्ट में जोर लगता है, बीच में जोर नहीं लगता, ऐसा क्यों? तो डियर फ्रेंड, सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो बिजनेस है ये आपका बिजनेस है, ये बिजनेस हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस हम सबका बिजनेस है। टारगेट लाइफ का ओन टारगेट है, हमारे जीवन का अपना खुद का अपना एक टारगेट है, हमें कहाँ जाना चाहिए। हम छोटे छोटे गोल बनाते हैं, छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े सपने देखते हैं, उन सपनों को जो हम अचीव नहीं कर पाते, उम्र हमारी गुजर जाती है और लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि उम्र के इतने पड़ाव पर हमने जीवन के बहुत सारे ऐसे हिस्से जो हम खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते थे और हम उसे नहीं जी पाए। जीवन की 8-9 खुशियां होती हैं दोस्त, इंसान जब पैदा होता है, जब पढ़ता है, जब नौकरी करता है, जब उसके घर की शादी होती है, जब वो घर बनाता है, उसके जब बच्चे होते हैं और वो जब उसके बच्चे कुछ लायक बनते हैं, 8-9 खुशियों में जीवन खत्म हो जाता है। हमारे जो टारगेट होते हैं, कंपनी टारगेट देती है 100 करोड़ के इंटायर नेटवर्क को अचीव करने का एक प्लेटफॉर्म, एक जरिया है। छोटे छोटे टारगेट जो हम नहीं बना पाते, कंपनी खुद हमें बना करके हमारे बिजनेस को आसान करती है। ये टारगेट किसी अप्लायंस का नहीं है दोस्त, ये टारगेट हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम इस पर कितना फोकस करें और हम अपने तरीके से कितने जल्दी, कितने बढ़िया से अपने डाउनलाइन के साथ बैठ करके अपने उस टारगेट को जो हमें पूरा करना है, अपने डाउनलाइन के छोटे छोटे टारगेट को पूरा करा करके हम इस टारगेट को अचीव करें। कंपनी काम करती है, पहले दिन कंपनी ने टारगेट को लॉन्च किया, लास्ट टाइम में क्लोज करती है, लेकिन दोस्त जब फोकस्ड की बात आती है तो फोकस्ड अपलाइन का ही नहीं, हम भी अपने डाउनलाइन के अपलाइन बन जाते हैं, हमारे भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी हमारे अपलाइन की जिम्मेदारी हमारे प्रति होती है। तो ये मैं नहीं कह सकता कि ये बहुत जिम्मेदार तरीके से सवाल किया गया है गुरुदेव, मुझे लगता है सवाल सिर्फ इसलिए कि वो जो लोग जो टारगेट नहीं जीत पाए या नहीं जीत पाते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, लगातार अभ्यास नहीं करते, जो ग्राउंड पे रोज नहीं निकालते, वो बेसिक काम नहीं करते, उनके लिए ये समस्या बन जाती है। और जो बेसिक काम को संभाल पाते हैं, लोग को समझा पाते हैं, अपने काम को कर पाते हैं, उनके लिए टारगेट बहुत आसान होता है। और ये टारगेट अपने जीवन के सपनों के छोटे छोटे टारगेट को अचीव करने में मददगार है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों हम सबको मिलकर के इस टारगेट को पूरे 100 दिन इसके साथ जीना चाहिए, मरना चाहिए कि 100 करोड़ का इंटायर बिजनेस छोटे छोटे खुशियों में हम समेट पाएंगे। तो मुझे कुछ लगता है कि ये करना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल सही बात है गुरुदेव, इतने कमेंट सर इतने स्पीड में आ रहे हैं ना, इतने प्रश्न अभी तो मुझे लग रहा है गुरुदेव, इतने ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम लोग खुद ही उसका जवाब नहीं दे पा रहा गुरुदेव, उस पर भी हम फोकस कर लेते हैं अभी। दोस्तों एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे हैं, आप देखिए कमेंट में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नंबर दिए हैं स्टेट और सिटीज के अनुसार, तो आप हमें कॉल ना करके उन लोगों को कॉल करें जो लोकल में आपके बिजनेस आपको कैसे डेवलप करना है इसमें आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा मेहनत करें और उनको कॉल करें तो उससे आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन वहां से मिलेगा, और बिजनेस को कैसे करना है, बिजनेस में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इस चीज से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है उनका जवाब
मुझे लगता है वो लोग आपको बहुत अच्छे से दे सकते हैं, तो आप लोग उनको कॉल कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 3000 प्रश्न का जवाब देना इतना आसान नहीं है। हम लोग कुछ चुनिंदे प्रश्नों के ऊपर आज डिस्कस कर रहे हैं। जी गुरु जी, अगेन प्रणव सर, आगे हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे गुरुदेव। इसी सिलसिले में एक सवाल हमारे सामने आ रहा है, जो मुझे लगता है गुरु जी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के यह सबसे इम्पोर्टेंट और अहम सवाल है। गुरुदेव, इसमें सवाल है मिस्टर राघवेंद्र जी का है। ये बोल रहे हैं राजस्थान से, किसी सिटी का नाम उन्होंने नहीं बताया। इनका सवाल है, सर एक लेग लोग कहते हैं एक लेग मैं चला दूंगा, तुम दूसरे लेग चला करके पैसे कमा लो, कंपनी में आ जाओ। और अल्टीमेटली इनका कहना है कि सर मेरा लेग मेरा प्लान चलाया और दूसरा लेग मैं चलाऊंगा, मेरे टीम के लोग भी ऐसा कहते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी गुरुदेव, देखिए प्रणव सर, ये तो सबसे पहली बात, ये जो प्रश्न है ये उस कंपनी के लिए क्वेश्चन आता है जिस कंपनी के अंदर बिजनेस जो है दो लेग से इनकम दे दी जाती है। डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल में सबसे पहली बात तो कि लेग वगैरह ये सब कुछ भी नहीं होता, जहां से आपकी आईडी लगती है वहां आपका बिजनेस होता है। ये एक्चुअल कुछ दिनों से ना जो फालतू जो कंपनियां आई, लोगों ने हिंदुस्तान नेटवर्कर को नकारा भी बना दिया। जो इंसान अपनी ताकत से बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकता था, वो इंसान आज के डेट में डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं से, और वो ये कोशिश करता है कि कोई मेरा सपोर्ट करके मेरे बिजनेस को डेवलप कर दे। ये सपोर्ट सपोर्ट ये बहुत ज्यादा आप पूछते हैं, जब मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं तो लोग बोलते हैं सर मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा, वो ये कभी क्वेश्चन नहीं करते। मैं आपको बताऊं, मेरे पास डेली 500 कॉल आते हैं, लेकिन एक भी बंदा ये नहीं बोलता कि सर बताएं मुझे एडवाइस करें मैं बिजनेस में आगे कैसे बढ़ सकूं। लोग क्वेश्चन ये करते हैं सर मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा। लोगों की ये मेंटेलिटी बनी हुई है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। ये बात तो जस्ट वैसी है। कहानी मुझे याद आ गया कि एक जगह पे किसी जगह पे इंडियन का कोई एक इंडियन अमेरिका गया हुआ था, और वहां पे जाने के बाद उसका कुछ बिजनेस शुरू किया, उसके बिजनेस बहुत अच्छी चली गई। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बिजनेस अच्छा चला गया और बहुत पैसे कमाया। पैसे कमाने के बाद उसने एक बहुत अच्छी गाड़ी ली जिसके अंदर हॉर्स पावर के इंजन लगे हुए थे, 4000 हॉर्स पावर के इंजन लगे हुए थे। वो गाड़ी लेता है, बहुत ही कॉमन स्टोरी है, आप लोग भी इस बात को जानते होंगे। और वो गाड़ी में बैठता था, चलाता था, इधर उधर घूमता था, लोगों से हाय हेलो करता था, लेकिन उसकी गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं की। तो ये एक बड़ा न्यूज बना कि भाई ऐसा कौन ऐसा इंसान है जिसने इतने दिनों से लगभग 10 सालों से गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी आज तक कहीं ना टच हुई ना कहीं एक्सीडेंट हुई। मीडिया वगैरह सारे उसके पीछे लग गए, लोग पहुंचे उसके पास देखने के लिए कि भाई कौन ऐसा इंसान, उसकी इंटरव्यू। तो जब वो आया तो देखा गया उसने बहुत ही शानदार लग्जरियस गाड़ी, ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज टाइप की गाड़ी रखी थी उसने, बड़े ब्रांड की गाड़ी रखी थी, और उसके आगे वो 4 घोड़े लगा रखे थे। और जब वो निकलता था तो गाड़ी के बोनट पे बैठ जाता था और उन घोड़ों को बोलता था, वो हांकता था और चल इधर उधर लेफ्ट राइट करने के लिए। तो घोड़े की वजह से वो गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं। हमारी भी हालत लगभग ऐसी हो जाती है, हमारे अंदर खुद 4000 हॉर्स पावर का इंजन है और हम अपने बिजनेस को खींचने के लिए 2 घोड़े की तलाश में लगे रहते हैं। वो घोड़े अपलाइन को मान के रूप में देखते हैं या तो हम डाउनलाइन के रूप में देखते हैं। ये एक पिछले कुछ सालों के अंदर एक कल्चर बना हुआ है इस बिजनेस के अंदर। दोस्तों मैं आपको बताऊं, सन 2016 में जब मैंने एसलीपीएस वेलेंस की शुरुआत करी थी तो मैंने 0 से अपनी आईडी लगाई। मेरे अपलाइन ने बोला बेटा तुझे क्या चाहिए, तो मैंने बोला गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपका केवल हाथ चाहिए, आपकी गाइडलाइंस चाहिए, और आप जैसे बोलो हम वैसे करेंगे, आप केवल साथ मत छोड़ना, अपनी मेंटरशिप हमें से देते रहना। और ऐसे करके मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। कई लोग बोलते हैं कि एक लेग बहुत अच्छा चल जाएगा तो तेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जब बिजनेस शुरू किया तो 0 से आईडी लगाई थी, एक्सेल लेफ्ट डाला था, एक्सेल राइट डाला था, और आज मैं बता सकता हूं मुझे प्राउड फील होता है कि शायद मेरा डिसीजन जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था कि मैं डिपेंडेंट नहीं रहा। और उसकी वजह से आज अगर मैं टोटल आईडीज की बात करूं तो लगभग 3000 मेरी आईडी एसजीओ के अंदर, 3000 आईडी एसएओ के अंदर लगी, 3 लाख आईडी एसजीओ के अंदर और 3 लाख आईडी एसएओ के अंदर लगी हुई है। एक बैलेंस नेटवर्क हमने बिजनेस के अंदर डेवलप किया है। मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा जिनके अंदर दिमाग में ये बात है कि एक लेग अपलाइन खींच देगा, एक लेग मैं खुद चला लूंगा, मेरे दोस्त अगर आप ऐसा करते हैं तो हमेशा याद रखना, हो सकता है चलो आपकी अपलाइन अच्छे हैं, आपका एक लेग आपके अपलाइन ने चला दिया,
लेकिन एक चीज सोच के देखिए, अगर भगवान न करे उस अपलाइन के साथ कभी कुछ हो गया तब उस लेको कौन चलाएगा? अभी तो वो जिंदा है तो आप उसको दोष भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान ना करे अगर उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो फिर बिजनेस कहाँ गया? अरे छोटा बिजनेस होता तो मैं मान लेता, चलो यार चलेगा, अपने संभाल लेंगे, लेकिन बड़े बिजनेस में आपका कोई रोल ही नहीं था। उसके बाद कुछ मिसहैपनिंग हुई उस इंसान के साथ, वो अपलाइन के साथ जो आपका अगले खींच रहा, तो आप तो जीरो हो गए ना। अरे जब सपने हमारे हैं, बीवी बच्चे हमारे हैं, कैरियर हमने चूज किया है, तो बिजनेस चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों चलाने की जिम्मेवारी किसकी? हमारी जिम्मेवारी, ये हमें डेवलप करना पड़ेगा। आज आपके सामने पैनल्स में मिस्टर प्रणव सर मौजूद हैं, इन्होंने बिजनेस किया, दोनों साइड में बिजनेस को डेवलप किया, और आज मुझे लगता है प्रणव सर आप बहुत खुश होंगे, एक रिस्पेक्ट एक रिगार्ड भी बिजनेस के अंदर आपको मिलता होगा। आज मैं बताऊं, आज खास करके मेरी टीम के अंदर लगभग 32 डायमंड्स हैं। मैं उन डायमंड्सों की बात करता हूं जिन लोगों ने बिजनेस को दोनों साइड में सेल्फ डेवलप किया है, मैं उनकी बात करता हूं। वो जब चाहते हैं अपने बिजनेस को बहुत अच्छे स्पीड से डेवलप कर देते हैं। ये तो एक बिजनेस स्ट्रेटजी बनती है कि कोई अपना बंदा किसी को एक लेग में सपोर्ट करके फ्री करता है ताकि वो दूसरे साइड में बिजनेस ज्यादा फोर्स से लगाए तो बिजनेस डेवलप हो जाएगा। ये कोई लिखित वर्ड नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कहीं पे कि अपलाइन एक लेग चला दे हम दूसरा लेग। अरे यहाँ एसलीपीएस वेलनेस के अंदर चलो एक क्वेश्चन आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लेग चलाने के बाद जो ऑप्शंस है अपने पास कोई बहुत बड़े लेवल का नहीं है। आप 3 से ज्यादा लेग भी चलाते हैं या 2 लेग भी चलाते हैं तो आपको सेम इनकम आती है, लेकिन वहां क्या सोचिए, आप जब बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियों के अंदर होते जहां 6 लेग चलाना होता, जहां 7 लेग चलाना होता, तब आप कंपनी की इनकम को वेरीफाई करते। जहां पे 3 लेग चलाएंगे तो 10% इनकम बढ़ जाएगी, 4 लेग चलाएंगे तो 5% और बढ़ जाएगी, फिर 6ठे लेग चलाएंगे तो 50% और बढ़ जाएगी। अब आप सोचिए, 1 लेग तो चलो आपने वहां पे अपलाइन के साथ बोल दिया सर मेरा 1 लेग चला दो, बाकी कैसे चलाओगे? चलाना जिसको है बिजनेस, जिसको डेवलप करने, जिसने टेक्निक सीखा है वो 50 लेग चला सकता है, और जिसने बिजनेस टेक्निक नहीं सीखा उसके लिए 1 भी चलाना मुश्किल है। अब ये आपको सोचना है कि आप इस बिजनेस में डिपेंडेंट होके आए हैं या अपनी करियर खुद बनाने के लिए आए, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप क्या सोच के आए, कोई मेरा बिजनेस डेवलप करके मेरे सपनों को पूरा कर दे या मैं खुद अपने सपनों को खुद पूरा करूं, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। और अगर आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया अपने आप से तो डिपेंडेंसी माय डियर फ्रेंड आपके अंदर से अपने आप निकल जाए। ये जो क्वेश्चन जो आप बार बार परेशान होते हैं, और मैंने कई लोगों को देखा इस पॉइंट को लेकर निगेटिव भी हो जाते हैं, सर 1 लेग से तो मैं स्टार सफायर बन गया सर, दूसरे लेग से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, सर 1 लेग से तो मैं डायमंड बन गया, दूसरे लेग से बिजनेस नहीं चल रहा है, तो बना तो तू ही ना अपने दम पे भी बना, तो दूसरा साइड भी आप बहुत आसानी से खींच सकते हैं अगर आपने इस छोटी सी सोच को जो पकड़ के बैठे हुए ना उसको हटा दिया। और रियल बता रहा हूं मेरे दोस्त, इस दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान आप हैं, और अगर आप चाह गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि एक छोटी सी वजह से कि अप्लाई ने कभी कमिट कर दिया था कि मैं 1 लेग चला दूंगा, हम पकड़ के बैठ जाते हैं। कई लोग तो बिजनेस छोड़ देते हैं, कई लोग अपना नेटवर्क तबाह कर लेते हैं, कई लोग घरों में बैठ जाते हैं कि बोला तो क्यों नहीं करके मिला। मेरे दोस्त, ये टर्म कंडीशन के साथ जितने लोग भी मेरा जो इस बिजनेस में आज काम कर रहे हैं, मेरा आप लोगों से बोलना है टर्म कंडीशन को अपने बिजनेस से निकाल फेंकिए। टर्म कंडीशन कभी किसी का पूरा नहीं होता। सरकार इतनी बड़ी टर्म कंडीशन, इतने बड़े वादे करती है, पूरा हो जाता है क्या? नहीं होता। इंसान कोशिश करता है कि उसमें से बहुत सारी चीजों को पूरा करे, और लोग करते भी हैं, जो अच्छे ईमानदार लोग हैं वो करते भी, लेकिन किसी और की वजह से हम अपनी करियर क्यों खराब करें? किसी और की डिपेंडेंसी की वजह से हम अपनी स्पीड डाउन क्यों करें? बोलते हैं ना कि एक पैर से चलने वाला इंसान दौड़ नहीं सकता, चल सकता है, लंगड़ा हो जाता है, लेकिन जो दोनों पैर पे चलता है ना वो दौड़ेगा भी, रफ्तार भी बढ़ाएगा और अपनी मर्जी की स्पीड बना सकता है। इसीलिए ये जो मेंटेलिटी है, इस मेंटेलिटी से आपको ऊपर निकलना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए। एंड मैं रियल बताऊं, यू विल फील लाइक किंग, आप राजा जैसा इस इंडस्ट्री के अंदर फील करेंगे, क्योंकि बिजनेस आपके हाथ में है, आप जब चाहो अपनी रैंक क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन वही बिजनेस अगर किसी और के सहारे चलेगा, एक भी सिंगल लेग अगर किसी और के सहारे रहेगा, तो आप अपनी मर्जी के अनुसार छलांग नहीं लगा सकते। अब ये आपको डिसाइड करना है, ये आपको सोचना है कि मैं अपनी मर्जी के अनुसार छलांग लगाऊं
या किसी की मर्जी के अनुसार अपनी चाल चले, ये आपको सोचना है मेरे दोस्त। मुझे लगता है कि जवाब आपको समझ में आ चुका हो। अगर आप कैरियर अपनी बनाना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से आपको सीखो ना यार, एक बिजनेस को कैसे आपने डेवलप किया, एक साइड के बिजनेस को आपने कैसे डेवलप किया, ये सीखो ना। अपने आप से क्वेश्चन पूछो यार, मैंने तो किया था, कैसे किया। और वही सारे प्रोसेस जो बिजनेस आपका डाउन हो रहा है उस बिजनेस में आप लगा दीजिए। रिपीट द सक्सेसफुल एक्शन, रिपीट द सक्सेसफुल एक्शन, अपने आप आपका बिजनेस अपग्रेड होता चला जाएगा, अपने आप आपके जो बिजनेस की जो रेट है वो निकलती चली जाएगी। ये बहुत ही मतलब अटपटा क्वेश्चन है प्रणव सर एक्चुअली। और ये जो लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ना, जिन लोगों के दिमाग में भी ऐसी क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ वो छोटी सोच के शिकार है। ऐसे लोगों के मैं कुछ किताबें रिकमेंड करता हूँ। अब बड़ी सोच का बड़ा जादू, इन किताबों को पढ़िए, बहुत अच्छी बुक्स है जो आपको पढ़ना चाहिए। ये चीज जब आपकी सोच डेवलप हो जाएगी इन चीजों से आप निकल जाएंगे। मैंने कई लोगों को देखा है जो इस तरीके की भावना भी रखते हैं कि हमारा जो कंपटीटर हो अगर हमसे आगे निकल गया तो हम बम फोड़ देंगे। लोग ऐसी भी बातें कर देते हैं। ये छोटी सोच है और कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक आम लोग आते हैं, आम तरह का परिवार इस इंडस्ट्री के अंदर आता है और आम लोगों की सोच उतनी जल्दी इतनी बड़ी होती नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब तक आपकी सोच बड़ी होगी नहीं आप इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकते। देखो पैसा कमाना और सफल होने में अंतर है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमा लिया फ्लूक से भी हो सकता है, अच्छा डाउनलाइन मिल गया तो खींच गया, लेकिन कमाता रहेगा वो जिसकी सोच बड़ी होगी, क्योंकि वही सच्ची सोच, वही एक अच्छी थॉट प्रोसेस अपनी डाउनलाइन को दे सकता है, उसका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से डेवलप। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों की भी टीम में ये समस्या आ रही है, वीडियो आप उनको जरूर दिखाइए। जो लोग इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं उनको ये चीज आप जरूर बताइए। और इसको तो जड़ से निकाल के फेंकने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। इसको आप बिल्कुल सही कीजिए और देखेंगे आप एक बार ये जो कीड़ा आपके अंदर से निकल गया ये कोई करके दे देगा, अपने आप चारों तरफ की ताकत लगनी शुरू हो जाएगी। आप देखिए अपलाइन अपना रोल करना शुरू कर देगा, डाउनलाइन अपना रोल शुरू कर देगी और आप अपना रोल शुरू कर देंगे। कई लोग तो इस चक्कर में कि मेरा अपलाइन काम नहीं कर रहा, मेरी टीम काम नहीं कर रही, अपना रोल भी कमजोर कर देते और ऐसे लोगों की हालत और खराब हो जाती। तो मुझे लगता है कि इन बातों को छोड़ के आपको बिजनेस करना चाहिए और रियली में आपको मजा आएगा। ये फालतू की टेंशन होती है इसको दिमाग में कभी भी नहीं रखना, ठीक है प्रणव सर? थैंक यू वेरी मच गुरुदेव। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा गुरुदेव। और इसी सवाल, पिछले सवाल से ही रिलेटेड गुरुजी एक सवाल है। और मुझे लगता है कि सारे जो जवाब आपने गुरुजी दिया ये जवाब भी उस सवाल का हिस्सा जरूर होगा। कि सवाल है गुरुदेव, इन्होंने पूछा कि अपलायन किन उसी लेग में समय देता है जिस लेग में चेक बनता है और जिस लेग से चेक नहीं बनता उधर फोन भी नहीं करता। तो मुझे गुरुजी लगता है कि ये सवाल का जवाब जो पिछला था गुरुजी सारा करता है, बिल्कुल मिल चुका है। जी जी गुरुदेव, ये भी वही उसी सवाल का हिस्सा है। और गुरुदेव एक संजय जी कुशवाहा जी हमारे बीच में है। इस प्रश्न पे सर मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। जी प्लीज। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक बात की हमेशा जिक्र किया जाता है, दैट इज द फाइन ट्यूनिंग। अगर आपको इस इंडस्ट्री में सफल होना है ना तो अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन के साथ फाइन ट्यूनिंग बनाना शुरू कीजिए। देखो आप अगर अपने अपलाइन के साथ केवल इसलिए कनेक्टेड हो क्योंकि वो आपके साथ आप बिजनेस करके आपको ग्रोथ करके दे रहा है ना, तो समझ लो कि यार आप लालची इंसान हो और ये बात उसको पता चल चुका है। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हम किसी की मजबूरी का फायदा तब तक उठा सकते हैं जब तक उसकी लाइफ में मजबूरी है। बोलते हैं ना हर कुत्ते का एक दिन आता है, तो कभी उसकी मजबूरी खत्म हो जाएगी तो फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर दे। आप जो रिश्ते बनाइए ना अपलाइन डाउनलाइन के बीच में, ये रिश्ते तो यार ऐसे होने चाहिए कि एक बिना रुपए की प्रॉफिट के भी लोग आपके लिए काम करें, ऐसे रिश्ते। इसी को बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। तो अगर इस तरह की समस्या किसी को आ रही है अपलाइन के साथ, तो आप अपलाइन के साथ मिलिए, बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए और फाइन ट्यूनिंग बहुत अच्छा कीजिए। अगर आप फाइन ट्यूनिंग अच्छा कर देंगे ना मेरे दोस्त, 100% मैं आपको बता रहा हूं, 100% अपलाइन आपके लिए जान देगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। एसली पीएस वेलनेस के अंदर मैं तो जरूर बोलता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसके वीक में है, स्ट्रांग में है, कहां है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने तो इस तरह का संस्कार डेवलप किया है एसलीपीएस वेलनेस के अंदर, अपनी टीम के अंदर, जहां पे हम तो कोलाइन को सपोर्ट करके बिजनेस को डेवलप करवा देते हैं, उनकी ट्रेनिंग मीटिंग कर देते हैं। तो अपलाइन 100% आपको टाइम देगा। अगर कोई ऐसा नकारा, जैसे तीन तरह के अपलाइन होते हैं, एक होता है कामधारी अपलाइन, एक होता है नामधारी अपलाइन और एक होता है खुजलीधारी अपलाइन। तो अगर आपका अपलाइन खुजलीधारी अपलाइन है या केवल नामधारी अपलाइन है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जस्ट एक अपलाइन सेम
जो ऊपर एक्टिव बंदा हो, जो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है, उसके शरण में जाना चाहिए, उसको अपना गुरु बनाना चाहिए और उसके साथ बिजनेस की शुरुआत करना चाहिए। बहुत ही सिंपल, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं। मुझे लगता है ये चीज सर इसमें जरूर करना चाहिए, फाइन ट्यूनिंग बहुत जरूरी है इसके लिए। जी जी गुरुदेव, बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल सही कहा गुरुजी। फाइन ट्यूनिंग अगर है गुरुजी तो अप्लायंस स्वार्थ छोड़ करके भी आपका साथ दे सकता है, और आपका फाइन ट्यूनिंग अच्छा नहीं है तो टाइम होते हुए भी आपको समय नहीं देगा। बिल्कुल सही कहा गुरुजी आपने। और आगे गुरुजी एक सवाल हमारे बीच में संजय कुशवाहा जी हैं, जिन्होंने सर एक सवाल किया है कि सर कई सारे हमारे टीम लीडर्स ऐसे होते हैं, ऐसा क्यों होता है जब वो काम करते हैं, काम तो अपने हिसाब से करते हैं, हमारे सुनते नहीं, और जब काम बन जाता है तो श्रेय अपने को देते हो, खराब हो जाता तो कहते हैं कि हमारे अप्लाई की वजह से सारा काम खराब हो। तो गुरुजी इसका सवाल जरूर दें। ये मैं आपको बताऊं, ये प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब इस प्रश्न में छुपा हुआ है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बोला जाता है इट्स द थैंक्सलेस बिजनेस। सबसे पहली चीज कि आपको किसी के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। आप बिजनेस अपने लिए कर रहे हैं, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने किसी के लिए कुछ काम कर दिया। आज प्रणव सर हमारे साथ मौजूद हैं, आज प्रणव सर और हमारा साथ लगभग 5 सालों का है, 5 साल के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा की ऊपर इनकम कर चुके हैं प्रणव पांडे सर। तो अगर हमारा इनके बिजनेस में कोई रोल था तो हमारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए वो रोल था, जिसकी वजह से प्रणव सर का भी बिजनेस डेवलप हुआ है। तो इस बिजनेस को ही बोला जाता है थैंक्सलेस बिजनेस। आप जिंदगी में कभी किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसके बदले अगला थैंक यू बोले या ना बोले ये उसकी नियत, तो आपको तो कोशिश नहीं करना चाहिए सुनने का कि अगला मुझे थैंक यू बोले या हमेशा शुक्रगुजार हो, ऐसा आपको सोचना ही नहीं चाहिए। ये बिजनेस ही है थैंक्सलेस बिजनेस। यहाँ पे कई बार ऐसा होगा जब आप किसी के साथ काम करेंगे, थोड़े दिन के लिए आप दूसरे साइड में बिजनेस करेंगे, तो वो बंदा आपको बोल देगा तूने मेरे लिए क्या ही किया है। तो थोड़ा सा सुनने के बाद ये इनिशियल लेवल पे बुरा जरूर लगता है, लेकिन एक्चुअल नेचर ही है लोगों की। लोग खुदगर्ज नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन नेचर ही होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके सपोर्ट को जिंदगी भर थैंक यू वर्ड में कन्वर्ट करके रखते हैं। ऐसे बहुत कम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मिलते हैं। अगर ऐसी डाउनलाइन आपकी है तो समझ लेना यू आर वेरी लकी, बहुत लकी है। लेकिन अगर इस तरह की नहीं है तो आप अनलकी भी नहीं है, या आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। आप उम्मीद ही मत रखो ना, मैं बोलता हूं उम्मीद ही मत रखो कोई आपको थैंक यू बोले, अपने आप खुश रहोगे। थैंक यू बोलवाने का जो उम्मीद है ना, यही परेशान करती है। अरे वो बंदा आपके बिजनेस में रोल तो अदा कर रहा है ना, बिजनेस डेवलप कर रहा है आपके डाउन में, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट दे रहा है बिजनेस डेवलप करके, तो आप क्यों उम्मीद कर रहे हो आपको हमेशा थैंक यू बोल। अरे ये थैंक यू बोलना ना बोलना ये उसकी मर्जी, उसकी मर्जी, आप अपना रोल कीजिए। वो आपने कहानी सुना होगा कि एक महात्मा के शिष्य बोलते हैं कि बाबा जी कुछ आपसे एक्स्ट्रा थिंग्स हमें जानना है। बोले चल मेरे साथ। वो नदी में जाते हैं, नदी के अंदर स्नान कर रहे होते हैं, एक बिच्छू अंदर से चल के आ रहा होता है बहते हुए। तो महात्मा जी उस बिच्छू को उठाते हैं, वो बिच्छू डंक मारता है, हाथ से छूट जाता है, फिर बहने लगता है। तो बाबा जी फिर जाते हैं, फिर उस बिच्छू को उठाते हैं, फिर बिच्छू डंक मारता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर उठाते हैं। तो बार बार वो डंक मारता था, उसको उठाते किनारे की तरफ लाते, हाथ से छूट जाता था। तो जो शिष्य निकले बोले यार आप हमें क्या सिखाओगे जिंदगी जीने का, आपको तो खुद पता नहीं है। अरे जब ये बिच्छू इतना डंक मार रहा था आपको छोड़ देना चाहिए। तो बड़े प्यार से जो गुरु जी थे वो बोलते हैं कि बेटा ये बिच्छू है, इसका नेचर है डंक मारना। जब सोचो ये जानवर होते हुए डंक मारने की अपनी नियत को नहीं छोड़ सकता, तो मैं इंसान होते हुए अपनी नेचर कैसे छोड़। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, ये अगले की नेचर है इस टाइप। वो थैंक यू बोल भी सकता है, थैंक यू नहीं भी बोल सकता है, लेकिन आपको अपना जो रोल है वो कभी नहीं छोड़ना। तो ना इन बातों को पकड़ के बैठिए, क्योंकि आप पकड़ के बैठेंगे तो आपका आपके अंदर डिमोटिवेशन आएगी, होपलेस टाइप से आप फील करेंगे, फिर आपको मन नहीं करेगा किसी के साथ सपोर्ट करने के लिए। तो आप ये रखोगे कोई आपको थैंक यू बोले या ना बोले, आपका जो रोल है वो आप करते रहो, बिजनेस आपका ऑटोमेटिकली चलता जाएगा। बहुत ज्यादा दिमाग को इसमें लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। नॉर्मल तरीके से आप बिहेव कीजिए। अगर कोई थैंक यू बोलता है तो ठीक है, नहीं बोलता है तब भी ठीक है। और उनके लिए जो अपलाइन जब साथ में काम करे तो थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट सर। और अपलाइन अगर अपने दूसरे साइड वीक साइड में काम करने लगे तो आप हमारे हैं कौन। मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा जैसी करनी वैसी भरनी। आज अगर आप अपनी अपलाइन के साथ ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो माई डियर फ्रेंड आपकी डाउनलाइन भी आपको वाच कर रही है, वो भी आपके साथ सेम कंडीशन करेगी। जो मैं अभी बार बार बात करता हूँ एक संस्कार की, वो संस्कार आपने गलत कर दिया अपने नेटवर्क के अंदर।
तो इनको, इन चीजों को तो आपको जरूर 100% सुधार के रखना चाहिए, आपके लिए यही अच्छा, ठीक है। तो परेशान मत होइए, एंजॉय कीजिए, ये सब चीजें होता रहेगा, हमारे साथ भी हमेशा होता है, ठीक है प्रणव सर। थैंक यू वेरी मच गुरु जी। गुरुदेव एक सवाल है, मिस्टर रमेश पटेल जी हैं, जिनका बहुत जेन्युइन है और मुझे लगता है कि सवाल गुरु जी हर उस लीडर के लिए जरूरी है जो सपनों जैसी जिंदगी जीना चाहता है। सवाल गुरुदेव सर, एक मैं जो है कि जिस रैंक पे हूँ, अब रैंक का नाम नहीं लिया उन्होंने, जिस रैंक पे हूँ गुरु जी, एक ठीक ठाक लॉजिंग है, मतलब 400-500 वीकली जाता है गुरु जी, ना ही बढ़ा पाता हूँ ना घटा पाता हूँ, मतलब घट तो जाता है लेकिन लंबे समय तक पिछले 6 महीने साल भर से एक जैसा सिचुएशन बना हुआ है, मैं उसे बढ़ा नहीं पा रहा हूँ गुरु जी, मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अभी तक जितने प्रश्न हुए थे ना जी, उसमें सबसे जो सटीक जो मैं खोज रहा था यही एक क्वेश्चन था कि अपने बिजनेस को हर टाइम डुप्लीकेट कैसे करूं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, एसलीपीएस वेलनेस में हमारी शुरुआत मई जून जून या जुलाई के मौसम में 2016 में हुई थी। तो शुरुआत के 1-2-3 महीने तो मुझे सीखने में लग गया बिजनेस, लेकिन सीखने के बाद जब मैंने बिजनेस की प्रॉपर तरीके से शुरुआत करी, उसके बाद मुझे याद है कि तब से लेके आज तक हर क्वार्टर के अंदर, हर 3 महीने के अंदर मैंने अपने सेल को डबल किया, मैंने अपने सेल को इंक्रीज किया। मेरे जो चेक साइज है मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे चेक साइज कभी भी डाउनग्रेड नहीं हुए, हमेशा अपग्रेड होते चले गए। तो हमने ये चीज को कैसे किया है ये बहुत समझने वाली बात है, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट योर बिजनेस। अगर आपको अपने बिजनेस की डुप्लीकेसी करना आ गया ना, तो फिर समझिएगा बहुत अच्छे इस तरीके से काम करते हैं, कर सकते हैं। और बिजनेस डुप्लीकेट एक प्रोसेस से होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल लोगों को प्लान देना और ज्वाइन कराना समझते हैं। तो केवल प्लान देना ज्वाइन कराने से जो आपकी बिजनेस की जो कंडीशन वो वही बनी रह जाएगी। क्वेश्चन ये है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत क्या है? लोग। इस इंडस्ट्री में बड़े पैसे क्यों आते हैं? जब लोग आपके लिए काम करते हैं तो बड़े पैसे आते हैं। और यही नहीं, दुनिया के हर अमीर लोगों की जो सक्सेस का सीक्रेट है वो यही है कि जिसके लिए जितना ज्यादा लोग काम करेंगे वो उतना बड़ा बिजनेस करेगा, उतनी बड़ी उसकी रिवेन्यू आएगी, उतनी बड़ी उसकी इनकम आएगी। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी सबसे बड़ी जो ताकत हमारे है वो है लोग। लेकिन हमारे साथ कौन लोग ज्वाइन होते हैं? एक ऐसा इंसान जिसने, जिसके खानदान में किसी ने बिजनेस ना किया हो, ऐसे लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो। एक स्टूडेंट, एक नौकरी वाला इंसान, एक दुकानदार, एक प्रोफेशनल्स, ऐसे लोग हमारे बिजनेस के आते हैं। तो जब वो लोग आते हैं तो वो लोग इस बिजनेस को अपने अपने प्रोफेशन, अपने अपने नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। और मेरे दोस्त, जब तक बिजनेस एटीट्यूड नहीं आएगा तो बड़ा बिजनेस होगा कैसे? अब वो बिजनेस एटीट्यूड लाने के लिए, या मैं अगर ऐसे बात करूं कि एक फ्रेशर जो हमारे साथ ज्वाइन हुआ, वो एक फ्रेशर है इस बिजनेस के अंदर। अब वो काम कब करेगा? जब वो लीडर्स बन जाएगा, डायरेक्ट सेलर, एक्चुअल डायरेक्ट सेलर बन जाएगा। तो एक फ्रेशर को लीडर्स में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है। और आपका फ्रेशर्स मतलब आपके साथ ज्वाइन हुआ बंदा तब तक परफॉर्मेंस नहीं देगा आपके बिना जब तक वो लीडर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। और कन्वर्ट करने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए। और क्या प्रोसेस होता है वो प्रोसेस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां पे क्लियर कट एक ऐसा टॉपिक ही हमने बना के दे रखा है, ट्रेनिंग का पार्ट, जहां पे दिया हुआ है कि फ्रेशर को लीडर्स में कैसे कन्वर्ट। तो आप अगर अपने बिजनेस को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस हर वीक में डुप्लीकेट हो, तो आपको अपने अंडर में अपने जैसे लोग खड़ा करने पड़े। अब सोचने वाली बात है कि आज आप बहुत अच्छे प्लानर हैं, डेली प्लान करते हैं, आप वीकली, आप डेली का 5 प्लान करते हैं, तो पूरे सप्ताह में 35-35 प्लान करेंगे, तो आपकी रिजल्ट 300-400-500 स्पीक रहेगी। अब अगले सप्ताह भी आपकी ताकत तो सेम रही क्योंकि आपके 5 ही प्लान हो रहे हैं, तो पूरे सप्ताह में 35 प्लान ही हुए। लेकिन सोचिए, अगर हमने आज बिजनेस की शुरुआत करी और हमने एक सप्ताह के अंदर 4-5 लोगों को ज्वाइन करा, अब उन 4-5 लोगों का प्रॉपर तरीके से FIM करके, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग में बैठा के, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करा के, अगर बेसिक वर्क हमने सिखा दिया, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्लान देना, अगर आपने ये काम सिखा दिया तो आज आप अकेले हैं, अगली बार वो 5 लोग आपके जैसा लिस्ट बनाएंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे और लगातार प्लान देंगे। तो आज आप अकेले डेली 5 प्लान करते हैं, जब 3 लोग आपके साथ 5 प्लान करेंगे तो एक दिन में आपका 20 प्लान होगा, 3 उन लोगों का और 5 आपका, 20 प्लान होगा। सप्ताह में लगभग 140, यानी आपकी 10 से ज्यादा रिजल्ट, अगर हम 90-10 का भी रेशियो देखें तो 10 से 15 जो ज्वाइनिंग है वो ऑटोमेटिकली आपके साथ आनी शुरू हो जाएगी।
आपकी सेल्स की अगर मैं बात करूं तो एक आप अकेला सेल करते तो आप 10 लाख का प्रोडक्ट सेल करते होंगे, लेकिन आपके साथ अगर 3-4 लोग अगर आ गए और प्रॉपर नंबर ऑफ प्लान इंक्रीज कर देते तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेल 400-500 एसपी की थी ऑटोमेटिकली वो सेल 1000 एसपी 1500 एसपी में कन्वर्ट हो जाएगी दूसरे सप्ताह के ही अंदर। या मैं यूं कहूं कि इस काम को करने में, लोगों को कन्वर्ट करने में, लोगों को लीडरशिप में ढालने में एक आध महीने का टाइम लग सकता है। तो एक आध महीने के अंदर यानी इस महीने आपकी वीकली सेल 300-500 एसपी थी तो अगले महीने आपकी वीकली सेल 1000 एसपी की हो जाएगी। अब अगले महीने आप देखिए आपके साथ 10 नए लोग हैं, उन 10 नए लोगों को अगर आपने कन्वर्ट करने में डाल दिया तो 10 और 3 13 लोग, अब 13 लोग अगर 5-5 प्लान करेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं पूरे सप्ताह का प्लान एक दिन में होगा। यानी जो ज्वाइनिंग सप्ताह में आती थी वो 10 सेल एक दिन के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आपको अपने बिजनेस को डेवलप करना है और इसके लिए मैं बोलता हूं कि आपको अपने बिजनेस को 4 स्टेज से गुजारना पड़ेगा। सबसे पहला फेज होता है बिजनेस का क्रिएशन फेज, नेटवर्क तैयार करना, एंड दूसरा फेज होता है डेवलपमेंटल फेज। आपको अपने नेटवर्क को डेवलपमेंटल स्टेज से गुजारना पड़ेगा, आपके साथ जो लोग ज्वाइन हुए उनको डेवलपमेंटल स्टेज से गुजारना पड़ेगा और डेवलपमेंटल स्टेज के लिए आपको अपने लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, इस इंडस्ट्री की ताकत बतानी पड़ेगी, सीरियसनेस डालना पड़ेगा, इन पूरे प्रोसेस से आपको निकालना पड़ेगा। देन एक्सप्लोरेशन फेज आपके बिजनेस का आएगा, तब आपके लोग परफॉर्मर बनेंगे। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने नेटवर्क क्रिएट तो किया लेकिन उस नेटवर्क उस ज्वाइन लोगों को हमने डेवलपमेंटल फेज के अंदर से क्रॉस ही नहीं किए। अब अगर बिजनेस डेवलपमेंटल फेज में जाएगा ही नहीं तो लोग परफॉर्मेंस कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा गैप। और मुझे लगता है प्रणव सर जो मैक्सिमम लोग ये जो समस्या है ना उनकी समस्या केवल इसलिए क्योंकि उनका तो धंधा है डेवलपमेंटल स्टेज में जा ही नहीं रहा है। बिल्कुल, लोग आ रहे हैं प्रोडक्ट खरीदे खाए पिए, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग ओनली द यूजर्स। और यूजर अगर आप केवल क्रिएट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड तो आपकी बिजनेस स्टैटिक कंडीशन में रहेगी। एक दुकानदार की इनकम लाइफ टाइम बराबर होती, जितना एक महीना पहले कमाता है बराबर उससे अगले महीना भी कमाता है, अगले महीना भी कमाता है, कभी सीजन आया तो थोड़ा सा बढ़ गया। तो आपके साथ भी ऐसी होगा, आप एक शॉपकीपर बन के रह जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने डुप्लीकेसी को अपने नेटवर्क के अंदर नहीं लाया। लेकिन अगर आप डुप्लीकेसी लाएंगे तो आप एक बड़े एंटरप्रेन्योर जैसा अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जिनके साथ भी ये समस्या है आप एक बार अपने लोगों के साथ मीटिंग कीजिए, अपने अप्लाई के साथ बैठिए और ये प्लानिंग कीजिए कि आपके साथ जो नए लोग आ रहे हैं नए चेहरे को काम कैसे सिखाना है, डेवलप कैसे करना है, ताकि वो लोग मार्केट में जैसे आज आप परफॉर्म कर रहे हैं उस तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर दे। और मेरे दोस्त अगर आपके लोग आपके जैसा परफॉर्मेंस करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिजनेस है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, अपने आप आपका बिजनेस डेवलप होने लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस फेज से आपके अपने बिजनेस को लेके जाना चाहिए और ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसकी वीडियोस भी मैंने डाल रखे हैं, आप वहां पे जाके डिटेल में देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें करना है, तो आपको शायद इस काम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और यकीन मानिए आप अपने बिजनेस को अपने तरीके से डुप्लीकेट कर सकते हैं अगर आपने इस काम को इस तरीके से सीख लिया तो ये तरीका मुझे लगता है कि लोगों को जरूर करना चाहिए, बहुत बड़ा गैप। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव। अभी हम लोग गुरुजी थोड़ा सा आगे बढ़ चलेंगे और जिस तरीके से गुरु जी आपने बताया उस पर हम लोग सभी इस पर फोकस करेंगे, अगर हमने इस तरीके से काम करना शुरू किया तो अच्छा हो जाएगा। गुरु जी एक सवाल बड़ा ही शानदार है और पढ़ने के बाद तो और भी मजा आ गया। गुरु जी आप के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को जानने का मौका है। गुरु जी सवाल है, जिलान करके कोई सज्जन है जिन्होंने सवाल किया था कि सर क्या मैं 6 महीने में डायमंड बन सकता हूँ एसलीपीएस में। आलोक चैंपियन गोरखपुर से गुरुजी हैं, इन्होंने नीचे नाम लिखा है शायद रहा होगा आलोक जी, क्या 6 महीने में डायमंड बना जा सकता है। सर इसका जवाब मैं बोलता हूँ हाँ 100% बना जा सकता है जी। अब आप जरूर पूछ रहे होंगे कि सर आपने हाँ क्यों बोला, क्योंकि एसलीपीएस वेलनेस में हमारे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर शिव कुमार सर जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी और 6 महीने के अंदर डायमंड लेवल को सर ने क्रॉस किया था। और मैं एक चीज मानता हूँ कि जब इस दुनिया में कोई एक इंसान एक काम को कर दिया तो फिर जो क्वेश्चन मार्क है अपने आप हट जाता है। जब एवरेस्ट के शिखर पे कोई इंसान नहीं पहुंचा था तो लोग हमेशा ये डाउट किया करते थे कि क्या कोई इंसान एवरेस्ट पे भी जा सकता है। आज से अगर मैं 100, 200, 250 साल पीछे जाके देखूं तो इंसान के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर चलता होगा कि क्या कोई इंसान चंद्रमा पे जा सकता है। लेकिन आज अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या कोई इंसान चंद्रमा पे जा सकता है तो हमारा क्या जवाब होगा, ऑब्वियसली हाँ जा सकता है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा इंसान है जो चंद्रमा तक गया है।
कोई ऐसा इंसान है जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा हुआ? तो मेरे दोस्त, ऑब्वियसली ये आपकी जेन्युइन सवाल है, इसलिए पीएस वेलनेस के अंदर आज ऐसे रिकॉर्ड किसी ने बनाए हैं, तो ऑब्वियसली आप भी उस लेवल तक, आप भी 6 महीने के अंदर वहां तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसे हवा में नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर मेहनत करना पड़ेगा। जो काम 3 साल के अंदर बड़े बड़े लीडर्स करते हैं, वो काम आपको 6 महीने के अंदर करना पड़ेगा। देखिए, सफलता आपकी चाहत पे निर्भर नहीं करती, सफलता आपकी चाहत और आपकी वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर भी निर्भर करती। हम चाहते सब कुछ हैं, लेकिन कर्म नहीं करना चाहते। तो मेरे दोस्त, आपकी चाहत तभी आपको हासिल होके आपके हाथ में मिलेगी, जब उस चाहत के साथ साथ आपने कर्म की जो कैपेसिटी, आप उसको इंक्रीज किया है। तो अगर आपकी कर्म बहुत अच्छी है, दिन रात आप मेहनत करते हैं, तो ऑब्वियसली आप उस लेवल की मुकाम को पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है आपके बिजनेस की एजुकेशन होना। क्या आपको बिजनेस की समझ है, या आप हवा में ऐसी बातें कर रहे हैं? एक मोटिवेशन वाली बात अलग हो जाती है और एक एक्चुअल बात अलग हो जाती है। आप ट्राई करके देखिए, आप ग्राफ खींच के देखिए, अगर आपका ग्राफ, आपका कैलकुलेशन आपको ये बताता है कि 6 महीने तक आपका बिजनेस डायमंड शिप तक जा सकता है, इतने लोग आपके साथ आ सकते हैं, इतने सेल आपके बिजनेस में जा सकती है, तो 100% इट्स नॉट इम्पॉसिबल थिंग। ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये कैलकुलेशन नहीं आ रही है, तो आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी, अपनी एजुकेशन को धीरे धीरे बढ़ाइए, अपने आप सफलता हासिल हो जाएगी। डायमंड बनना कोई सक्सेस नहीं है, डायमंड बनना सक्सेस नहीं है। डायमंड रैंक इसलिए प्रमोट किया जाता है, डायमंड रैंक की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि डायमंड लेवल तक एक इतनी इनकम लोगों की आ जाती है कि वो बंदा गड्ढे से निकल के, गरीबी से निकल के एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर देता है। लेकिन डायमंड एक सफलता नहीं है, डायमंड एक सक्सेस नहीं है। सक्सेस डायमंड लेवल के बाद बिजनेस में होने वाली स्टेबिलिटी है, और अगर वो स्टेबिलिटी आपने टोपाज रैंक के अंदर भी हासिल कर लिया है, वो स्टेबिलिटी अगर आपने रूबी स्टार लेवल पे हासिल कर लिया है, तो मुझे लगता है कि यू आर सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल हैं, और आपकी जो बिजनेस है, आपकी जो रैंक है, वो अपने आप निकलती चली जाएगी। तो ये बातें दिमाग में आप रखिए, करने वाले लोग कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा, मैं तो बोलता हूं कि एसलीपीएस वेलनेस के अंदर बड़े बड़े रिकॉर्ड धारी अभी तक पैदा ही नहीं हुए। मैं ये भी बोल सकता हूं, जो बंदा एसलीपीएस वेलनेस में बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाला है, वो बंदा आज तक इस बिजनेस को अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है। वो खोज रहा है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, और हो सकता है जितने लोग यहाँ पे नंबर लगातार पुटअप कर रहे हैं, उन्हीं में से किसी को कॉल आ जाए उस रिकॉर्ड धारी का, जो ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाला है। तो ऑब्वियसली आप ऐसा मत सोचिए, यू कैन डू, आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। अरे नहीं पहुंचे तो क्या हुआ, कुछ नजदीक तो पहुंचेंगे ना। बड़ा लक्ष्य बना के मेहनत करोगे मेरे दोस्त, सफलता बड़ी मिले ना मिले, लेकिन सफलता जरूर मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके लक्ष्य ही छोटे होंगे, तो आप बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा पाएंगे। इसलिए बड़ा लक्ष्य के साथ काम कीजिए। मैं कॉन्ग्रेट्स करना चाहूंगा जिन्होंने इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, कि आप ऑब्वियसली इस पे काम कीजिए, लेकिन हाँ, कर्म जरूर करना। हवा में तीर मारने से कुछ भी नहीं होगा, कर्म जरूर करना, ऑब्वियसली आप 6 महीने के अंदर डायमंड शिप हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गुरु जी, आपका इतना अप्रिशिएशन मिला, और सभी लोग इस पर काम जरूर करेंगे। सर, एक हमारे पास सर सवालों के जो श्रृंखलाएं हैं, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार बनी हुई है। गुरु जी, बहुत सारे सवाल यहाँ पर बने हुए हैं, लगातार मैं एक एक देख रहा हूँ। गुरु जी, सवाल है इसमें आया हुआ है कि सर, मैं काम तो अच्छे से कर रहा हूँ, हमारी टीम भी ठीक ठाक बन रही है, मैं टॉप 5 रैंक पे हूँ, लेकिन हमारे टीम में भी कुछ लोग अच्छे रहे, हमारे ही रैंक पे आ गए हैं, और हमारे टीम में कुछ लोग ऐसे जो दूसरी कंपनी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस कंपनी के लोग कह रहे हैं कि आप 2 साल में टॉप 5 बने हो, क्या पाए हो, जो 6 महीने में आप एमरल्ड बने हो तो क्या पाए हो, 3 साल से आप सिर्फ रूबी स्टार रही हो तो क्या पाए हो, देखो मैं ये बन करके ये कर गया हूँ। तो सर, एक बार इस पर प्रकाश डालें गुरु जी, क्या सक्सेस का क्या एक्चुअली में मूल मंत्र है, कितने टाइम में क्या हो जाना चाहिए तो लोगों को सेटिस्फेक्शन। देखिए, मैं एक चीज बोलता हूँ प्रणव सर, कि टाइम बाउंडेशन के साथ सफलता तो कोई मूल मंत्र है ही नहीं। एक्चुअल दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान के जो डायरेक्ट सेलर हैं, मैक्सिमम अनएजुकेटेड हैं, और उनके पास इस इंडस्ट्री की उतनी बड़ी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो मार्केट में जो कुछ गंदे लोग हैं, वो लोगों को गुमराह कर देते हैं बड़ी आसानी से। और गुमराह कौन होता है? जिसके पास एजुकेशन की कमी। एक छोटे बच्चे को फुसलाना आसान क्यों है? क्योंकि उसके पास समझदारी की कमी है, उतना नॉलेज नहीं है, उसका माइंड उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है, तो उसको बड़े आराम से कोई फुसला सकता है। कमजोर लोगों को, एक बड़े लोगों के साथ ये मुश्किल क्यों आती है? कि उसका उसका माइंड मेच्योर हो चुका है, वो चीजों को जानता है, देखता है। तो मेरे दोस्त, आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो लोग आपके बिना कर्म के आपके सफलता की गारंटी दे रहे हैं, वो सफलता आपको नहीं दे सकते।
चाहे वो एसलीपीएस नहीं, दुनिया के कोई भी प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म से आपको क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए ना, एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा पे आउट सिस्टम और एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम। अगर ये तीन चीजें कहीं भी मिल रही, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी मिल रही, तो आप वहां से सफल हो सकते हैं। और ये चीजें नहीं मिल रही उसके बाद भी आप अगर सफल नहीं हो रहे, इसका मतलब चौथा चीज है जिसका जोर लगना चाहिए, और वो है आप, आपको खुद भी ताकत लगाना पड़ेगा। कई लोग को ये लगता है कि अगर मैं कहीं कंपनी बदल लेता हूं, कहीं और चला जाता हूं, तो सफलता मेरे हाथ में आसानी से आ जाएगी। बिल्कुल नहीं आ सकती। अगर आप कहीं और जाते हैं तो वहां भी आपका जो मेहनत है वो जीरो से शुरू होगा, और फिर से वहां मेहनत करना पड़ेगा, बिल्कुल सर, फिर से आपको जीरो से डेवलप करना पड़ेगा। और ऐसे चक्कर में कई लोगों को मैंने देखा है कि जो डिस्टर्ब हो जाते हैं शॉर्टकट के चक्कर में, और पुनः उनको फिर से शुरुआत करनी पड़ जाती। तो उससे अच्छा है कि एक जगह टिक के अच्छे से काम कीजिए, बिजनेस को डेवलप कीजिए। और एसलीपीएस वेलनेस में काम करने वाले लोग को मुझे नहीं लगता है कि कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इतना बढ़िया सिस्टम, इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया प्रोडक्ट आपके पास है, बस जरूरत है आपको अपने आप को चेंज करने की, अपने आप को डेवलप करने की। तो इसको आप सही कीजिए बस, और कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। जो हो रहे हैं डिस्टर्ब, आप उनको समझाइए, नहीं समझते हैं तो छोड़ दीजिए। ठोकर खा के आया हुआ इंसान ज्यादा मजबूत होता है, तो ठोकर खा के आने दीजिए, फिर उनका वेलकम कीजिए अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल लोगों को गुरुजी अपने साथ लेके चलिए जी, अपने तरफ से गुरुजी पूरी कोशिश करें समझाने की, उनको एजुकेट करने की, अगर फिर भी उनको नहीं समझ में आता, कुछ समय के लिए उनके हालात पे छोड़ देना ही उचित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या आता है प्रणव सर जी, गुरुजी एक इंसान का जो माइंड जो डिस्टर्ब होता है ना किसी इन चीजों को लेके, तो चलो उसकी करियर खराब होती है तो बात तो अलग होती है, वो इंसान कई नीचे के लोगों का ना करियर खराब कर जाता है। और मैंने देखा है ऐसे में कुछ दिन बाद लोग 3-4-5-6 कंपनी में दौड़ते हैं, उसके बाद अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। फिर एक डर उनके अंदर आ जाता है कि शायद नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारी सफलता हो ही नहीं सकती, और ये डर उनको खत्म कर देता है। मेरे टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाइम टू टाइम डिस्टर्ब होते हैं, और मैं उन सबके पास जाता हूँ, मिलता हूँ। कई लोग बोलते हैं यार इतने बड़े लीडर्स क्यों लोगों से प्रेशर को लाने की कोशिश क्यों करते हैं। मैं इसलिए करता हूँ, मुझे इस बात का तनिक भी लालच नहीं है कि कोई मेरे साथ रहेगा, काम करेगा तो बड़ा बिजनेस करेगा। एक डर ये है कि जो लोग इनके साथ जाएंगे ना, वो बेचारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से अपना विश्वास खो देंगे। मतलब जो लोग अपनी करियर बनाने के लिए आए थे, वो लोग अपनी फेथ, अपना विश्वास इस इंडस्ट्री से ना खो दे। इसलिए हमें समझाने की जरूरत है, सही और गलत का फर्क नहीं होता। वो लोग डिस्टर्ब होते हैं, जिनको पता चल जाएगा वो लोग डिसीजन लेते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते। तो जी मुझे लगता है कि इस पॉइंट को तो हमें अपने टीम को लगातार बताते रहना जरूरी है। जी गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच गुरुदेव। और एक सौरभ जी हैं गुरुदेव, एज ए स्टूडेंट हैं, और इनका बहुत ही बढ़िया सवाल है गुरुजी, और ये सवाल का जवाब आपसे बेहतर कोई दे नहीं सकता, क्योंकि आपने उस स्टूडेंट लाइफ से इस बिजनेस की शुरुआत किया गुरुदेव, और आज इतने बड़े हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग में अपनी पहचान बनाई। गुरुदेव इनका कहना है सौरभ जी का कि सर स्टूडेंट लाइफ में पैसे उतने नहीं होते हैं, घर से बैकअप नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सपने बड़े हैं, उसे ज्वाइन करके गुरुजी कैसे हम आपकी तरह बने, क्योंकि तो हालात अच्छे नहीं है और पैसे खर्च होते हैं इस बिजनेस के अंदर शुरू के टाइम में। कहां से हैं ये सौरभ जी, कहां से हैं गुरुदेव? सौरभ जी, उन्होंने अपना नाम तो लिखा सौरभ जी, लेकिन उन्होंने अपना प्लेस नहीं बताया। अच्छा अच्छा जी गुरुदेव। दोस्तों आज पूरे हिंदुस्तान के हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना करियर लगाने के लिए आए हुए और लगाते भी हैं। मैं अपनी जर्नी बताऊं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की शुरुआत उस टाइम में किया था जब मैं MBBS की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं एग्जाम दिया था, उस टाइम में मुझे ये इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला था। तो एक वो मौके से लेके फिर मैं BHU में अपनी एजुकेशन ले रहा था, अपनी पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद मैं इस इंडस्ट्री में अपनी करियर बना पाने में जो मेरी जर्नी रही है, दैट वॉज द वेरी टफ फुल जर्नी। यहां मैं दो बातें आपको बोलना चाहूंगा। पहली बात है एजुकेशन, देखो कभी भी कमजोर नहीं होता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका मन पढ़ाई में लगता है, ऑब्वियसली आपको एजुकेशन जरूर लेना चाहिए। एजुकेशन का किसी प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं होता मेरे दोस्त। एजुकेशन, चाहे आप कोई किसी भी तरह का एजुकेशन लेंगे, वो आपको पावर देगा, आपकी तार्किक कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो कभी भी आपको जिंदगी में अपनी एजुकेशन को तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एजुकेशन लीजिए,
देखो एक डिग्री वाली एजुकेशन अलग बात हो जाती है, जैसे कई लोग क्या कहीं भी चोरी वोरी करके कहीं से एग्जाम दिए और या किसी तरीके से डिग्री हासिल की, ये अलग पार्ट होती है। मैं एक टिपिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, नॉलेज की बात कर रहा हूँ। नॉलेज लेना कभी भी गलत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी आप सफल तभी हो पाएंगे जब आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी, नहीं तो आप यहाँ भी घूमते रहेंगे। तो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक स्टूडेंट को करियर लगाना चाहिए। तो मेरे दोस्त ये आपकी डिसीजन है। मैं ये जवाब आपको जरूर दे सकता हूं कि अगर एक स्टूडेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी करियर लगाता है तो उसकी करियर जरूर बनेगी, ये मैं बोलता हूं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था। मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाया और लगभग 5 साल के अंदर 7.5 करोड़ से ज्यादा की मेरी इनकम है। अगर मैं महीने की एवरेज इनकम की बात करूं तो लगभग 30 से 40 लाख रुपए मेरे महीने की एवरेज इनकम है। तो आज अगर हम इस लेवल पर पहुंचे हैं तो एक स्टूडेंट था मैं भी, मैंने करियर लगाया, ऑब्वियसली मेरी करियर बनी। अब आपकी करियर कैसे बनेगी ये डिपेंड करेगा कि आपका डिसीजन किस लायक से है। लेकिन एक चीज और जरूर बताऊंगा, रियल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत करियर बनती है, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट हो इस बात से कंफ्यूज हैं, लगाऊं या ना लगाऊं, करूं या ना करूं, वो कंफ्यूज होते हैं। तो ना वो ढंग से पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही ढंग से डायरेक्ट सेलिंग को सीख पाते हैं, यहाँ पे अपना काम कर पाते हैं। ये एक जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आपका डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट होगा। यहां पे आपको यह तय करना पड़ेगा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी एजुकेशन को छोड़िए, यहां पे आपको यह तय करना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी की प्रायोरिटी क्या है, पहली प्रायोरिटी क्या है, मुझे पढ़ाई करके कहीं और जाना है, या ये तय करना पड़ेगा कि मुझे यहां पे कैरियर बनाना है, एसलीपीएस वेलनेस में कैरियर बनाना है, और उस प्रायोरिटी के अनुसार फिर आप अपनी फोकस कीजिए। अगर आपको पढ़ाई करके कहीं और कैरियर बनानी है तो ऑब्वियसली आप फिर इस बिजनेस में फोकस मत कीजिए, और अगर आपको पढ़ाई करके यही करियर बनानी है तो फिर आपकी फोकस यहां पे बहुत ज्यादा होना चाहिए। मैं नहीं बोलता केवल नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री में ही जिंदगी बन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आपकी जिंदगी बन सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहां से आपकी जिंदगी और जिंदगी बदल सकती है। ये आपको चूज करना है, खास करके स्टूडेंट के लिए। लेकिन चूज करो ना तो झोंक के काम करो, कंफ्यूजन में मत रहो, बने या ना बने, करियर लगाएं या ना लगाएं, इस कंडीशन में मत रहो। लगा दिया तो खुल के काम करो, और नहीं लगाना तो फिर आप साइड रहो, पहले एजुकेशन कंप्लीट कर लो, एक टाइम आएगा आपके पास, फिर अपने आप डिसाइड कर लो, देन आफ्टर सोच समझ के आप करियर लगाओ। ये दोनों बातें रखना। वो आधा अधूरे जो नाव वाली जो सफर होती है ना, बहुत ही मुश्किल होती है, और मैं आधा अधूरे नाव वाली जो सफर होती है मैं उसका विरोधी हूं। मैं वो नहीं बोलता हूं कि आप ऐसा करो, क्योंकि मैंने उस फेज को देखा है। और एक चीज और बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक स्टूडेंट को क्यों करना चाहिए, ये इंडस्ट्री न सिर्फ पैसा बल्कि पैसे के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से करा देंगे। तो ये सोच के मत आओ अगर एक स्टूडेंट पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा है तो कि मैं यहां से पैसा कमा लूं, आप ये सोच के आइए कि यहां इस बिजनेस में आने के बाद मैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करूंगा, अपनी प्रोफेशनल, अपनी स्पीकिंग स्किल की डेवलपमेंट मैं करूंगा, मेरी मैं कोई कुछ यहां से अच्छी चीजें सीखूंगा। स्टूडेंट एटीट्यूड, कमाने के एटीट्यूड से मत आओ, फिर आप लर्निंग एटीट्यूड से यहाँ पे आइए, और जब डिसाइड हो गया कि नहीं यहाँ करियर लगाना है तब अर्निंग एटीट्यूड से आइए। ये दोनों एटीट्यूड लाने में अंतर है, और जब दोनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी ना तब आप करियर लगाइए, फिर देखिए आपका बिजनेस कितना आसानी से डेवलप होगा। सारे स्टूडेंट इस बात का जरूर ध्यान रखें यार, मैं क्योंकि एक स्टूडेंट हिंदुस्तान के फ्यूचर होते हैं, हिंदुस्तान के करियर होते हैं, किसी की करियर खराब नहीं होनी चाहिए। आपको चाहे न सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, जिंदगी में आप कहीं भी अपनी करियर लगाने जाए इस बात का फैसला जरूर कर लें। कई लोग क्या होते हैं, अपनी जिंदगी में कंफ्यूज होते हैं, उनको डाउट होता है कि पता नहीं मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा। तो मेरे दोस्त अगर डाउट हो तब तो डायरेक्ट सेलिंग आपसे बढ़िया आपके लिए ही बना हुआ है समझ, क्योंकि यहाँ कम से कम अप्लाई नहीं, छत्र छाया में रहोगे, खींचते तिरते इतने लायक बन जाओगे परिवार चला लोगे। और अगर कॉन्फिडेंस है एजुकेशन के ऊपर तो आप कहीं भी जा सकते हो, यू कैन चूज द एनी ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन अगर डाउट हो तो मुझे लगता है यहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप आइए अपनी कैरियर में। ठीक है प्रणव सर, थैंक यू वेरी मच गुरु जी, आपने अपने एक्सपीरियंस को दिया, और हिंदुस्तान के सभी स्टूडेंट्स आपके तरह जरूर बनना चाहेंगे, और बनेंगे तो ड्रीम लाइफ जो जी पाएंगे वो अपने आप में पूरे खानदान के लिए बेमिसाल होगा। गुरुदेव एक सवाल है, मिस्टर राहुल कुमार जी हैं, अपने बिजनेस के अंदर काफी उत्सुक प्रश्न लग रहे हैं, और ये जानना चाहते हैं गुरुदेव कि हम तो जिस शहर में ज्वाइन किए, हमारे प्लान ने ज्वाइन करा है, उस शहर में हमारी लिस्ट जो है
हमने उस पर काम किया और हमने लिस्ट को सारे को जोड़ दिया। अब इनका कहना है गुरुदेव कि नए लिस्ट नहीं है हमारे पास, और नए सिटी में गुरुजी बिजनेस करने से बिजनेस बढ़ता है, या प्लान बार बार मुझसे कहता है। क्या नाम हुआ इनका? नाम है राहुल कुमार जी हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, आपके प्रश्न को सुनकर ऐसा लगता है कि आपको अभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करने की जरूरत है, आपको इस काम को प्रॉपर तरीके से सीखने की जरूरत है ना। ऐसा कहीं नहीं है कि एक लिस्ट बना वो 100 लिस्ट खत्म हो गई और आपका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का करियर रुक जाता है। पहले बेसिक समझिए, इस बिजनेस में तीन चीज का बहुत बड़ा रोल होता है, लिस्ट का, इनविटेशन का और सौदा प्लान। ये तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये तीन पार्ट आपको हमेशा करना होता है, लिस्ट का, इन्विटेशन का और सौदा प्लान। ये तीन पार्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो सकते अगर आपको एक्चुअल बिजनेस करना आता हो तो। चलिए, आपके जानने वाले लोग खत्म हो सकते हैं लेकिन अनजान लोग तो मार्केट में भी हैं, अनजान लोगों से भी बिजनेस किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं राहुल जी, जब मैंने बनारस के अंदर बिजनेस की शुरुआत करी थी तो मेरा वहां पे नॉन लिस्ट कोई भी नहीं था, मैं अनजान लोगों से चलते फिरते मिलता था और मैं 3 फिट फॉर्मूला अपनाता था। ये 3 फिट फॉर्मूला क्या है उसको समझिएगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है। 3 फिट फॉर्मूला बोलता है कि आपके 3 फिट के दायरे में कोई भी इंसान आए, आपको सामने वाले को हाथ आगे बढ़ाना है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, जान पहचान बढ़ाना है। तो मैं ऐसे ही करता था, मैं बाहर निकलता था और मेरे पास अगल बगल में कोई भी इंसान आता था, मैं उसे हेलो सर, नमस्कार, कैसे हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम अमित दुबे सर, आप क्या करते हैं? तो हम लोग BHU में स्टूडेंट हैं और सर पार्ट टाइम एक बिजनेस करते हैं जहां पे आपके जैसे लोग पार्ट टाइम समय देके महीने का आराम से 10 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, क्या आप जानना चाहेंगे? सामने वाले या तो यस बोलेगा या तो ना बोलेगा। यहाँ प्रॉब्लम एक ये है कि लोगों को ना सुनने का एक डर होता है, अरे सामने वाले ने अगर ना भी बोल दिया तो आपका क्या लेके जाएगा, आपका कौन सा लॉस होने वाला है इस दुनिया में? क्या वो सारे इंसान जिनके सामने कोई भी एक प्रोडक्ट दिखाया जाता है उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं क्या? ना बोलते हैं, आपने भी बोला हो तो सामने वाला या तो हाँ बोल सकता है या तो ना बोल सकता है, लेकिन एक रेशियो समझिए, अगर आप 100 लोगों से ये बात पूछ लेते हैं तो 90 लोग ना बोल सकते हैं, 10 लोग आपको हाँ जरूर बोलेंगे, भैया बिजनेस प्लान मुझे समझा दे। और अगर आपने 100 लोगों को प्लान दिखा दिया तो 100% 10 लोग आपके साथ ज्वाइन जरूर हो जाते हैं। मैं 90-10 की रेशियो के बेसिस पे बात करता हूँ, ये सेल्स की रेशियो है, SLPS में ये रेशियो और बड़ा होता है लेकिन मैं सेल्स की रेशियो की बात करता हूँ। 100% ये रेशियो आपके लाइफ में लागू होगा। अब क्वेश्चन ये है कि 100 नए लोगों को इनवाइट कर पाना, उसके लिए लिस्ट की जरूरत कहाँ है, उसके लिए रिफरेंस की जरूरत कहाँ है? आप अनजान लोगों से बातचीत कीजिए, घर से निकलिए, अनजान लोग जितने मिलते हैं उनको हाय हेलो कीजिए, आप फेसबुक से लोगों को निकालिए, वहां हाय हेलो कीजिए, उनके साथ एक प्रपोजल सेंड कीजिए। 2 प्रश्नों का जवाब आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, आज इस हिंदुस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, जिनको पैसा कमाने का माध्यम चाहिए? दूसरा चीज, आज हिंदुस्तान में कौन ऐसा इंसान है जिसको हेल्थ की जरूरत नहीं है? और हम यही 2 चीज तो देते हैं, हम लोगों को हेल्थ देते हैं और हम लोगों को वेल्थ देते हैं, और ये 2 चीज आज हिंदुस्तान ने वर्ल्ड में हर किसी को चाहिए। तो हमारे प्रोस्पेक्ट तो मार्केट में भरे हुए हैं। आज तक क्या आपने कभी किसी बिजनेसमैन को सुना है जो अपने रिश्तेदारों के माध्यम से बड़ा बिजनेस कर पाया? क्या आज कोई भी शॉप यूज करता है, क्या सारे के सारे उसके यूजर उसके रिश्तेदार, और क्या उन्हीं की कोई, किसी ने मोबाइल बनाया, सैमसंग ने मोबाइल बनाया, एप्पल मोबाइल बनाती है, तो क्या एप्पल और सैमसंग के मोबाइल यूज करने वाले लोग केवल उसके रिश्तेदार होते? नहीं होते ना। आप एक दुकान खोलते हैं, क्या उस दुकान से सामान लेने वाले लोग केवल रिश्तेदार होते हैं? नहीं होते। कौन लेते हैं? अनजान लोग। कौन लोग होते हैं? उस लोकलिटी के लोग होते। तो हमारा भी बिजनेस है, हमारे बिजनेस में भी जो लोग होंगे वो अनजान लोग होंगे, हमारे लोकलिटी के लोग होंगे। आपको वहां तक बिजनेस को लेके जाना है। अब इसमें डर आती है लोग, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है डर आता है अनजान लोगों से बात करने में, तो इस झिझक को निकालना पड़ेगा। जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म, इस झिझक को आपको निकालना पड़ेगा, शर्म को हटाना पड़ेगा। लोगों से बातचीत करने में कोई झिझक आपकी नहीं होनी चाहिए, लोगों से मिलिए, लोगों से बातचीत कीजिए। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, अगर किसी ने हाँ बोला तो वेलकम, ना बोला तो भीड़ कम, आपका क्या जाता है? आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें, आपका कोई लॉस नहीं। तो लोगों से मिलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, कुछ टूल्स का सहारा लीजिए और नए लोगों के साथ लिस्ट बना के अपनी लिस्ट को इंक्रीज कीजिए, इन्वाइट कर करके अपनी लिस्ट को इंक्रीज कीजिए। आपकी जो समस्या है
ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। और मेरा सारे डायरेक्ट सेलर से बोलना है, मेरे दोस्त, जिंदगी में नेटो मार्केट इंडस्ट्री के अंदर अगर आप सफल होना चाहते हैं, कभी भी अपने बेसिक काम को बिल्कुल मत छोड़ना। बेसिक काम क्या है? लिस्ट बनाना, इनवाइट करना और प्लान देना। चाहे आपकी रैंक कुछ भी हो, लेवल कुछ भी हो, आप कितने भी पैसे कमाए हो, अगर आपकी बेसिक काम लिस्ट बनाना, इनवाइट करना और प्लान करना, ये बेसिक काम अगर आपका नहीं छूटा है, इस दुनिया की कोई ताकत आपके बिजनेस को डेवलप करने से नहीं रोक सकती। कई लोग ये सोचते होंगे कि सर अननोन लोगों को बिजनेस के प्रति विश्वास कैसे दिलाए। मेरे दोस्त, विश्वास तो हमारा प्रोडक्ट दिला देता है। आपने किसी को इनवाइट किया, अपना कॉन्सेप्ट, अपने बिजनेस की जानकारी दी, सामने वाला विश्वास नहीं करता। मैं बोला आप हमारा तुलसी यूज कराइए, अगर प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो विश्वास होगा नहीं होगा। आप पेस्ट इस्तेमाल करवाइए, अगर पेस्ट अच्छे होंगे, हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन पेस्ट स्लिपियस वेलनेस बनाती है, अगर पेस्ट अच्छी होगी तो सामने वाला बंदा विश्वास करेगा नहीं करेगा? 100% विश्वास करे। तो शुरुआती विश्वास तो छोटे प्रोडक्ट से बनाओ, छोटे प्रोडक्ट दे के आओ। याद रखना, जो विश्वास आपका प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी बना देगी ना, वो विश्वास आपकी जुबान नहीं बना सकती है। क्योंकि सामने वाला जब एक्सपीरियंस करके बिलीव जनरेट करेगा ना, वो सबसे पावरफुल चीज होगी। आपकी जुबान वाली विश्वास कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और अनजान लोगों में तो ज्यादा बातें प्रोडक्ट के दम पे होता है। मैंने यही तो बोला, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर्स हो जिसके प्रोडक्ट आज मार्केट में लोग इस्तेमाल करते हैं, आप जियो एयरटेल का सिम इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं वो आपके जानने वाला थोड़ी। क्योंकि आपने कभी इस्तेमाल किया, रिजल्ट आपको अच्छे लगे, प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, अपने पड़ोसी अड़ोसी सबको रिकमेंड करते हैं। यहां भी बात वैसी है, सामने वाला विश्वास तब करेगा जब आप अपने प्रोडक्ट सामने वाले को देंगे। प्रोडक्ट में दम दिखेगा, प्रोडक्ट में रिजल्ट दिखेगा, ऑटोमेटिकली लोग विश्वास करेंगे और आपके साथ ज्वाइन होंगे और आपके साथ काम भी करेंगे। इसलिए अनजान लोग फ्रेशर लिस्ट के ऊपर आप जरूर काम कीजिए, आपका बिजनेस इससे बहुत बड़ा होगा। चाहे आपकी रैंक कोई भी हो, हर रैंक पे नए लोगों के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, नए दोस्त बनाना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बेस बातें हैं। अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा बिजनेस। लिस्ट से बिजनेस बढ़ेगा। लिस्ट बड़ी कब होगी? जब आप नए नए लोगों से मिलेंगे, नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे। यार डरता तो वो है जो कुछ गलत कर रहा होता है। बताइए प्रणव सर, हमारे प्रोडक्ट में किसी प्रकार के डाउट है क्या? हम बोल नहीं रहे, हिंदुस्तान बोल रहा है ये बात कि स्लीपियस वेलनेस के प्रोडक्ट में रिजल्ट बहुत जबरदस्त, यानी जो चीज आप देने वाले हैं। यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट प्लान बेच दे रहे हैं, लोगों को लूट ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। हम तो लोगों को हेल्थ दे रहे हैं, लोगों को सही चीज दे रहे हैं, सही नॉलेज दे रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो आपको पीछे होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आप जिस भी शहर में है, उस शहर में अनजान लोगों से बातचीत कीजिए। सबसे पहले विश्वास अपने प्रोडक्ट से दिलाइए, अपने आप बंदा विश्वास करेगा और आपके साथ करियर लगाएगा। अब जिस हिसाब से गुरु जी आपने बताया, मुझे लगता है कि एट स्टेप मीटिंग में हमेशा बताई जाती है कि हमें करना चाहिए कोशिश, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, चलते रहना चाहिए। कुछ भी हो, चलते रहे, लोग तो आ ही जाएंगे। गुरुदेव, इस कड़ी में अमित कुमार जी हैं और अमित कुमार जी का एक सवाल है कि सर, हमारे अपलाइन ने हमें ज्वाइन कराया दिए, और हमारे सिटी में कोई ऑफिस भी नहीं है जहां मैं बैठकर दिन में लोगों को गेस्ट बुला के प्लान करूं। सिचुएशन में सर बिजनेस कैसे बिल्डअप करूं मैं, ना ऑफिस है ना अपलाइन है। ये इनकी कंडीशन मेरे जैसी है। मैंने जब बनारस के अंदर बिजनेस की शुरुआत करी थी तो वहां पे मेरे पास ना अपलाइन था, ना डाउनलाइन थी, केवल था मैं अकेला। मैंने कैसे डेवलप किया? यहाँ पे देखो, सिस्टम डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैक्सिमम लोग बड़ा बिजनेस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लोग बड़े सिस्टम का सहारा नहीं लेते, बड़ा सिस्टम नहीं बना पाते। अगर बड़ा सिस्टम आप डेवलप कर पाएंगे मेरे दोस्त, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मैं अनजान लोगों को इनवाइट करता था और मैंने एक स्कूल बुक किया और उस स्कूल में मैं वेन्यू करता। उसकी कॉस्टिंग बड़ी कम आती थी, 200-500 रुपए वो लेते, छोटा था, छोटा एरिया। जरूरी नहीं यार बड़ा एरिया आप करो, कोई भी बिजनेस शुरुआत एक रूम से होती है। फेसबुक भी जो आज इतनी बड़ी कंपनी बनी है, वो जो शुरू हुआ था एक छोटे से रूम से शुरू हुआ था। वही रूम उसकी ऑफिस थी, उसी में वो सारे लड़के रहा करते थे और वहीं से उन लोगों ने इस बिजनेस को बनाया। मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ। कोई भी बड़ी ब्रांड, अमेज़न जब शुरू हुई थी एक छोटे से कमरे से शुरू हुई थी,
कोई भी बड़ी ब्रांड आज जो मार्केट में आप देख रहे हैं, छोटे से कमरे से शुरू हुई, बाद में उसने एक्सप्लोर किया। तो हमारा भी बिजनेस है, हम किसी नए सिटी में है, वहां कोई ऑफिस नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने जगह से छोटे लेवल से उस बिजनेस की डेवलपमेंट शुरू कीजिए, आप नए लोगों से बातचीत कीजिए, नए लोगों को बुलाइए, एक छोटा सा आप वेन्यू सेंटर डेवलप कीजिए जहां केवल 2 दिन काम है अपना, फ्राइडे का ट्रेनिंग और संडे का सेमिनार, ये 2 काम आपको करना है। आप फ्राइडे का ट्रेनिंग कीजिए और संडे के दिन सेमिनार, यही 2 चीज के लिए वो आप रूम रखिए। लोगों को, नए लोगों को बुलाइए, प्लान कीजिए, इस वीक में कम लोग आएंगे। हमने ऐसी बिजनेस किया, शुरुआत में हमने एक छोटा सा रूम बनारस के अंदर, एक छोटी सी स्कूल थी, हमने वो स्कूल, बच्चे का स्कूल था, उसको बुक किया, वहां पे 10-20 लोगों को बुलाता था, फोल्डर उठा के प्लान करता था। तो पहले बार में तो कम लोग आए, दूसरी तीसरी बार में थोड़े लोग बढ़ने लगे, फिर कुछ लोग ज्वाइन हुए, कुछ लोग नहीं आए, फिर 3-4 लोग की टीम बनी, हमने उसी रूम में 8 स्टेप ट्रेनिंग किया। और वहां पे ट्रेनिंग के बाद कुछ लोग सीरियस हुए, कुछ लोग सीरियस नहीं हुए, 1-2 महीना हमने वहां सेंटर चलाया, उसके बाद हमारे लोग बढ़ने शुरू हो गए, हमने सेंटर चेंज कर लिए, फिर हम बड़े सेंटर पे आ गए, अनजान लोगों के साथ काम किया। और एक समय था कि 1.5 से 2 साल बाद जब हम लोग बनारस में वेन्यू कर रहे थे तो कम से कम 1000-1000 गेस्ट बैठा करते थे उस वेन्यू के अंदर। तो ऑब्वियसली छोटा सिस्टम बड़ा बिजनेस कर सकता है आपके लिए। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 1000 से ज्यादा वेन्यू चलते हैं, तो हमने शुरुआत एक छोटे लेवल से की है। तो हो सकता है आपका अपलाइन अगर आपकी सिटी में ना हो तो यार नेक्स्ट बड़ा बिजनेस आपका होने वाला है, आप शुरुआत कीजिए, छोटे से लेवल से शुरुआत कीजिए और प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम बना के आप शुरू कीजिए, तभी आपका बिजनेस डेवलप हो सकता है, ये बहुत जरूरी है जी। तो ये प्रोसेस आप अपनाइए, बिजनेस आपका बड़ा होगा। थैंक यू वेरी मच सर, मतलब शुरुआत गुरु जी कहीं ना कहीं से कर देना चाहिए, इंतजार करने से बेहतर कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगता है गुरु जी किसी को प्लान देने के लिए फ्री का खाना, फ्री की चाय, बड़े आराम से सामने वाले घर बैठ करके नाश्ते का मन करे तो सामने वाले घर, लंच का मन किया तो फिर किसी के घर, डिनर का मन किया तो फिर किसी के घर पहुंच कर गुरु जी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घर अपने बिजनेस तो बहुत बिंदास है गुरुदेव। तो गुरुदेव इसी कड़ी में अमर जायसवाल जी हैं और बड़ा अच्छा सवाल सर ने किया कि सर एक टीम बनाने के बाद लीडर्स को कैसे ढूंढें जो टीम में, कौन व्यक्ति हमारा स्टार लीडर बन सकता है, होनहार कौन हो सकता है जो मेरे जैसा काम कर सके, इसकी कि वो कहते हैं जौहरी कैसे महसूस करे कि ये डायमंड है, जौहरी कैसे बना जाए जी, जौहरी कैसे, क्योंकि ये बात तो सत्य है जी, जो लीडरशिप क्वालिटी हो तो इनबिल्ट होती है, पैदाइशी होती है जी गुरुदेव, डायमंड कोई बनाता नहीं है, उस कोयले की खान से जब एक पत्थर निकलता है तो केवल पहचान किया जाता है कि असली डायमंड कौन है और नकली डायमंड कौन है। और उसका एक बहुत आसान तरीका होता है, उसको एक प्रोसेस में डाल दीजिए। अगर आप मजबूत ज्वेलरी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक प्रोसेस में डाल दीजिए। तो पहले उस पत्थर को कई 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गर्म किया जाता है, तो जो कमजोर लोहे होते हैं, जो कोयले होते हैं वो जल जाते हैं, राख बन जाते हैं, जो डायमंड होता है वो बना रह जाता है। फिर उसको प्यूरिफिकेशन में डाला जाता है, उसकी कटिंग की जाती है, एक पूरे प्रोसेस होता है, उस कटिंग के बाद जो लास्ट में बचा रह गया वही है डायमंड। तो यहाँ पे भी आपके साथ आया हुआ जो बंदे है ना, जो लोग हैं, डायमंड गिने चुने ही लोग होते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन अच्छा है कौन खराब है, ये एक प्रोसेस हो, और ये प्रोसेस आप नहीं कर सकते, ये जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, ये प्रोसेस आपकी सिस्टम कर सकती है। आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, ज्वाइन हुए बंदे का FIM मीटिंग करना। जब 24 आवर के अंदर आप उसकी FIM मीटिंग करेंगे तो पहली पकड़ तो यही मिल जाएगी आप। आपने FIM मीटिंग किया, सामने वाला FIM मीटिंग कैसे करना है, आप YouTube पे जाइए, हमने वहां पे वीडियो डाल रखा है कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा रखा है, आपको वहां से जानकारी मिल जाएगा। तो FIM मीटिंग तो आपकी बड़ी आराम से वहां से हो जाती है। हम दूसरा पॉइंट जिसकी जो सबसे ज्यादा जरूरत है समझने की, FIM मीटिंग करते समय जब आप लोगों को लिस्ट बनाने के लिए, लोगों को मिलवाने के लिए बोलेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है आपको समझ में आ जाएगा कि कौन बंदा कहां तक जाने वाला है। उसमें 3 ग्रेड के लोग होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। जो ए ग्रेड के लोग हैं वो तुरंत एग्री हो जाते हैं अपने लोगों से मिलवाने के लिए, बातचीत करना शुरू कर देते हैं और आप में इंटरेस्ट लेते हैं। बी ग्रेड के जो लोग होते हैं वो 2-4 बार मिलने के बाद इंटरेस्ट लेते हैं, और जो सी ग्रेड है वो टाइम पास करता है, वो ना खुद करेगा ना आपको करने देगा, वो आपको लगेगा जरूर बहुत बड़ा करने वाला, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं। आपने कहानी सुना होगा, लोग ऐसे मजाक मजाक में ये बातें बोल देते हैं कि एक राजा के दरबार में 4-5 लोग थे, सबको बोला गया कि भैया घोड़े का रेस करेंगे, कि घोड़ा सबको दे दिया गया, बोला ये ले पैसा, अच्छे अच्छे घोड़े खरीद लेना। सारे लोग चले गए
अपने अपने घोड़े को तैयार कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं। वहीं उस दरबार में बीरबल भी थे, उनको भी पैसा मिला, वो गए पैसा बेच के अपना बिजनेस शुरू कर दिए। अब कुछ दिन बाद रेस के लिए सारे घोड़े आने लगे, पता चला बीरबल गायब है। जब खोजने गए कि भाई बीरबल कर क्या रहे हैं, तो देखा उन्होंने कि वो एक गधे को पकड़ रखे थे, जोर जोर से पीट रहे थे, बोले घोड़ा बन जा, घोड़ा बन जा, घोड़ा बन जा। महाराज ने पूछा, यार ये क्या कर रहे? बोले महाराज करना क्या है, मैं इसको घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये बन ही नहीं रहा है। तो ये बात सत्य है कि गधे की कितनी भी पिटाई कर दो, वो कभी भी जिंदगी में घोड़ा नहीं बन सकता। तो आप कमजोर लोगों के पीछे अपना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, उनको कितनी भी पिटाई कर दो वो चेंज नहीं होते। हाँ, एक परसेंटेज है उनके बदलने का, उसको आप कैसे सही कर सकते हैं? आप उनको अपने सिस्टम में डालिए, उनको हर ट्रेनिंग को प्रमोट कीजिए, हर मीटिंग में प्रमोट कीजिए, आप उनको काउंसलिंग में डालिए, अपने लाइन से काउंसलिंग कराइए, खुद काउंसलिंग कीजिए, प्लान देना सिखाइए, जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसमें डाल दीजिए। तो अगर उसमें क्वालिटी नहीं भी होगा तो क्वालिटी निखर जाती, अपने आप निखर जाती है और परफॉर्मेंस करना शुरू कर देता है। लेकिन ये क्लियर कट पहचान बिना सिस्टम में डाले आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको इसमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं। आप अपने, अगर आपको नहीं समझ में आता कि आपकी टीम में कौन बंदा किस लेवल का है, अपने अपलाइन से काउंसलिंग कराइए, उस समय आपका अपलाइन बता देगा कौन ए ग्रेड का लीडर है, कौन बी ग्रेड का लीडर, कौन सी ग्रेड का लीडर है। तो ए ग्रेड के लीडर्स को आपको ज्यादा ध्यान देना है, बी लीडर को थोड़ा कम ध्यान देना है, और सी को तो जब कोई ना बचे तब ध्यान देना। आप ग्रेडिंग करके अगर आप अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे तो आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। अभी क्या है, लोग कमजोर लोगों के साथ बने रहते हैं और स्पीड नहीं। कमजोर लोगों का भी जरूर साथ देना है, उनको डेवलप जरूर कर, लेकिन सिस्टम के तहत ही आप उनको डेवलप कर सकते हैं। आपने देखा होगा दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होते हैं पैरालाइज बच्चे, मेंटली रिटार्डेड बच्चे, एक होते हैं नॉर्मल बच्चे। तो मेंटली रिटार्डेड बच्चों का एक अलग स्कूल बनवाया जाता है, क्यों? ताकि उनको ये फील ना हो कि वो मेंटली रिटायर्ड है, और उसका एक अलग तरीका होता है पढ़ाने लिखाने। तो इस बिजनेस की भी जो एजुकेशन सिस्टम होती 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 है उसमें आप सारे लोगों को डालिए। कमजोर लोग भी अगर बिजनेस सीख गए तो कल के डेट में अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं, नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी स्पीड अच्छी चाहिए तो एक प्रायोरिटी सेट कीजिए, किस लीडर को मुझे कितना टाइम देना, किस बंदे को कितना समय देना, और उसी अनुसार आप अपने बिजनेस को कीजिए। तब देखेंगे कि आप बिना परेशान हुए दिन रात आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये जो बाइफर्गेशन मैंने अभी आपको समझाया है, इस वीडियो को आप दो चार बार और घुमा के सुनिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। तो फिर जो परेशान हो जाते हैं ना आप एक बंदे के साथ काम करके समझा समझा के, वो परेशानी आपकी जो है ना वो नहीं आएगी, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रणव सर, आज हमें लगता है कि काफी ज्यादा समय भी हो चुका है, लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं, और हमारे क्वेश्चन का सिलसिला तो मेरे ख्याल से खत्म हो ही नहीं रहा है। खत्म कभी नहीं हो सकता गुरुजी, लोगों की जिज्ञासाएं और लगातार हमारे पास जो कलेक्शन नए लीडर्स के माध्यम से हमारे डायमंड लीडर्स ने जो कलेक्ट किया है, नए लगभग 6,500 कलेक्शन अभी आज का नया सवाल, और लगभग गुरु जी मिलता जुलता है, कुछ डिफरेंट हो सकता है वो अलग बात है। ये चीजें गुरु जी कुछ 2-4 मिनट सेशन में चाहूंगा गुरु जी, और आपका मिले इस पूरे डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स को। गुरु जी हमें जो लीडर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जो टीम हमारे साथ बनती है, कुछ टाइम बाद कुछ लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, तो हम उन्हें दोबारा रिटेन कैसे करें, इनएक्टिव लीडर्स को कैसे जगाएं? हाँ, कैसे जगाएं गुरुदेव? अगेन इस प्रश्न का जवाब वही है जो मैंने अभी आपको बताया। इनएक्टिव लीडर्स को जगाने का काम सिस्टम करता है। देखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, मैंने आपको बताया ना, दो कैटेगरी के लोग होते हैं। ये वो एक वो लोग हैं जो सेल्फ स्टार्ट मोड में होते हैं, दूसरे वो लोग हैं जिनको हैंडल मार के स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये दोनों कैटेगरी के लोग, सेल्फ स्टार्ट जो लोग हैं वो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो आपको परेशान करके रख देंगे, खुद प्लान फॉलोअप सब कुछ सारी एक्टिविटी अपनी खुद करते हैं, तो उनमें ज्यादा जोर नहीं लगता है। और मैं बोलता हूं कि एक लीडर होने के नाते अगर आपने एक्टिव लोगों को सफल बना दिया तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। चैलेंज तो ये है कि इनएक्टिव लोगों को आप कैसे सफल बनाते हैं, और उसका तरीका है अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग में डालिए। मेरे से किसी ने बोला कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो लोग काम करके असफल हो जाते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है सोच बदल ना पाना। इस दुनिया के अंदर 3 कैटेगरी के लोग हैं, एडजस्टमेंट कैटेगरी के लोग, सेटिस्फाइड कैटेगरी के लोग, और इमोशनल विजनरी क्लास के लोग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो बिजनेस है ना, इमोशनल विजनरी क्लास के लोगों का बिजनेस है। अब दिक्कत यह है
प्रॉब्लम यह है कि इस बिजनेस में ज्वाइन कौन होते हैं, पहली दूसरी कैटेगरी के, एडजस्टमेंट क्लास और सेटिस्फाइड क्लास के लोग होते हैं, जॉब क्लास के लोग होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय क्लास के लोग होते हैं। और ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस है बिग बिजनेस ओनर बनाने। अब लोग वो क्लास ही नहीं बदल पाते, उनकी सोच, क्लास का मतलब सीधे सोच से है, तो जब क्लास ही नहीं बदल पाते हैं लोग, तो बीच में जाके फेल हो जाते हैं। तो अब एक लीडर होने के नाते हमारा काम है उनकी सोच में बदलाव करना। और वो सोच में बदलाव होगा कैसे? मैंने फिर अगेन वही बात बोलना है, सिस्टम से होगा। आपको अपनी ट्रेनिंग, मीटिंग्स, बड़े सेमिनार, लीडर्स काउंसलिंग, इन चीजों का लगातार सहारा लेना पड़ता है। देखो यार, हर पत्थर टूटता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि पत्थर में चोट की संख्या अलग अलग होती है। एक पत्थर पे दो चोट मारोगे पत्थर टूट जाएगा, एक थोड़ा दृढ़ अगर होगा, थोड़ा और मजबूत होगा, तो 10 चोट लगानी पड़ेगी, लेकिन टूटेगा हर पत्थर। आप चोट कितना मारते हैं फर्क इस बात से पड़ता है। और ये भी याद रखना, हर चोट का इक्वल हमारे बिजनेस के अंदर फर्क पड़ता है। हर ट्रेनिंग मीटिंग का हमारे माइंड पे इक्वली एफर्ट, हमारे माइंड के ऊपर हर ट्रेनिंग मीटिंग का इम्पैक्ट, जो इफेक्ट है, वो बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग पड़ता है। तो सीधी सी बात है कि आप अपने लोगों को लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में लाते रहिए, बताते रहिए। कुछ लोग उसी में सीरियस होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे। देखो वो बोलते हैं ना कि कई लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर सर पे ही अगर ये बैठा हुआ है कि यार मुझे चाहे कुछ भी समझा लो, कितना भी समझा, हम आगे बढ़ने वाले नहीं है, तो उनका तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस प्रोसेस में सही निकल के आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस मुझे लगता है कि उन लोगों को जरूर करना चाहिए। हम लोगों ने ऐसे ही किया जिससे बिजनेस बढ़ा। थैंक यू वेरी मच गुरुजी, इतनी बड़ी गुरुजी सक्सेस आपने अचीव करी है। हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग का एक चेहरा है गुरुजी, बल्कि आप सरताज हैं, क्राउन डायमंड रैंक आपने, जबकि बल्कि क्राउन डायमंड रैंक ही नहीं गुरुजी, बल्कि अपने लोगों को इतना बड़ा रैंक आपने दिलाया अपने एजुकेशन से, अपने टैलेंट से, अपने मार्गदर्शन से, अपने डायरेक्शन से। और गुरुजी इतनी बड़ी अचीवमेंट, 45 लाख महीने कमाना कोई आम बात नहीं है गुरुजी, लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस को अगर कम शब्दों में, अगर मैं गुरुजी मैं आपसे जानना चाहूं कि एक सफल लीडर बनने के लिए हमें क्या खास बदलाव की जरूरत है, तो गुरुजी कैसे आप इसको दर्शाना चाहेंगे? इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मेरे पास अभी एक कमेंट है, मिस्टर डीके प्रजापति हैं गाजीपुर से, उन्होंने क्वेश्चन किया है, सर आज के माहौल में युवा सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, 20 से 25 हजार कमाने में इतने बिजी हैं, उनको लाखों कमाने की बात समझ में नहीं आती, इसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले तो डीके प्रजापति जी, आप ये बात समझिए कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, हम अपनी जिंदगी में जो सोच बनाते हैं ना, वो सोच एक्चुअल हमारी नहीं होती है, हमारी उस परिवेश की होती है जिस परिवेश में हम पले बड़े होते हैं। अब एक आम लोग जब के घर में जब कोई बच्चा पैदा लेता है, तो उस बच्चे को एक ही चीज दी जाती है, एक ही चीज बताया जाता है कि बच्चा पढ़ो लिखो और नौकरी करो। जब से वो पैदा लिया, उसके माइंड में एक सॉफ्टवेयर क्या डाला गया, पढ़ो लिखो और एक अच्छी सी नौकरी करो, पढ़ो लिखो और एक अच्छी सी नौकरी करो। तो उसने नौकरी, और वो नौकरी कितने की, तो नौकरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एजुकेशन। आपकी जैसी एजुकेशन होगी, उस तरह की नौकरी आपको मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो लोग नौकरी को एक्चुअल में एजुकेशन के साथ कनेक्ट किए। अब ये सोच चूंकि बचपन से डाला गया है, तो दो दिन के अंदर ये थॉट प्रोसेस थोड़ी निकल जाएगा यार। एक बच्चे के मां बाप से लेकर टीचर्स ने, हर किसी ने यही सिखाया कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो। अब आप किसी से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई 10-15 हजार रुपए के प्रोडक्ट खरीदना है, बिजनेस करना है, लाखों रुपए कमा जाओगे, वो विश्वास नहीं करता एक्चुअल में। और वो विश्वास ना कर पाने की वजह से आपके साथ अपनी करियर नहीं लगा। तो करना क्या है मेरे दोस्त, आपको ये ध्यान देना है कि वो विश्वास कैसे जनरेट करे। हो सकता है किसी को प्रूफ की जरूरत हो तो प्रूफ दिखाइए, हो सकता है किसी को नॉलेज की जरूरत हो तो लॉजिक दीजिए, नॉलेज दीजिए। उस बंदे की जो लेवल ऑफ नॉलेज है ना डायरेक्ट सेलिंग, उसको आप अगर इंक्रीज कर देंगे, ये बिलीव अगर आप दिला देंगे कि उसकी करियर यहां बन सकती है, तो 100% आपके साथ करियर लगाएगा। अब एक छोटा सा प्रश्न है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर क्यों बनाना चाहते हैं? क्या लगता है प्रणव सर, क्यों बनाना चाहता है कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर? स्वाभाविक सी बात है गुरुदेव, पैसे के लिए बनाना चाहता है, अचीवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए। नहीं, एक माँ बाप ने देखा है अपने पड़ोसी में एक डॉक्टर को सफल होकर पैसे कमाते हुए, पैसे कमाते हुए, बिल्कुल। एक माँ बाप ने देखा है एक बच्चे को इंजीनियरिंग करके पैसे कमाते हुए, लेकिन एक माँ बाप ने ये कम देखा है
कि कोई बच्चा उसका पड़ोसी डायरेक्ट सेलिंग में आया और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, इसलिए वो माँ बाप डरे हुए हैं, उसका परिवेश डरा हुआ है और वो लोग प्रमोट ही नहीं करते कि कोई अपने बच्चे को यहां पे करियर लगाने के लिए आकर्षित कर। बस सिंपल सी यही बात है। और मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, कुछ दिन बाद डायरेक्ट सेलिंग का भी माहौल बदलेगा और ऐसा समय आएगा, आ गया है, कोरोना के बाद तो आ गया है, कोविड के बाद आ गया है कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा इस इंडस्ट्री में करियर लगाए, हर बच्चा चाहता है कि इस इंडस्ट्री में करियर लगाए। आपके एरिया में हो सकता है गाजीपुर में भी वो बात नहीं आई हो, लेकिन 100% ये बात भी जरूर आएगी मेरे दोस्त, और ये जब बात आएगी ना आपको सफलता तक जरूर पहुंचाएगी, इसलिए आप परेशान मत होइए, अपना काम कीजिए। आगे देखिए प्रणव सर, यानी गुरुदेव जिस व्यक्ति ने जिस तरीके के तजुर्बे लिए हैं हम अपने बच्चों को वैसा ही देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि इस प्रोफेशन में करियर है और डायरेक्ट सेलिंग में करियर नहीं है, इसलिए वो शायद देना नहीं पसंद करते। तो दोस्तों बहुत जल्दी वो दिन भी मतलब आएगा और आ ही चुका है जैसा गुरु जी ने बताया, बिल्कुल सच है, इसमें कोई शक नहीं है। गुरुदेव इन सवालों में एक सवाल प्रकाश डालना जरूरी लगता है और वो ये है कि हमारा प्लान काम नहीं करता और मैं काम करता हूं तो उसका चेक बनता है। देखिए प्रणव सर, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है और मुझे लगता है कि इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। जी मेरे दोस्त, सबसे पहले इसकी जवाब मैं दो तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ये बात जस्ट वैसी हुई कि पहले जब हम लोग बच्चे थे कहानियां सुना करते थे कि एक राक्षस था, उसका जान किसी का तोते के अंदर था, तो जो एक राजकुमार को जब राक्षस को मारना हुआ तो वो तोते को खोजना शुरू करता है। अब राक्षस को कहीं से भनक लग गई कि राजकुमार तोते के पास पहुंच गया है, राक्षस दौड़ता हुआ पहुंचा, वो आगे बढ़ रहा था, उसने तोते का एक पैर तोड़ा तो राक्षस का एक पैर टूट गया, फिर उसने अगर दूसरा पैर तोड़ा तो राक्षस का भी दूसरा पैर टूट गया, उसने फिर गर्दन मोड़ोरे तो राक्षस की भी गर्दन ऐसे ही मुड़ गई। तो ये वाली कहानी एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग करते हैं। लोगों को लगता है अगर मेरे काम करने से अपलाइन का पैसा आएगा तो हम अपना काम ना करें, अपलाइन को पैसा नहीं आएगा। मेरे दोस्त, ये आपके भी तो पैसे आ रहे हैं, आपकी भी तो इनकम आ रही है, ठीक है अपलाइन काम करे या ना करे उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। आपको ये ध्यान देना है कि मेरा काम कैसे चले, मेरा बिजनेस कैसे डेवलप करे, है ना। क्योंकि दूसरे को सुधारने के चक्कर में पता चला कि हम खुद ही अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको ही भूल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये उस अप्लाइंग के लिए शर्म की बात है जिसकी टीम में इस तरह की बातें बोलती है, क्योंकि एज ए अप्लाइंग अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं तो आपको टीम के अंदर एक बेंचमार्क सेट करना चाहिए, आपको अपने टीम के अंदर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि लोग मोटिवेट हो कि अगर बनना है तो मिस्टर प्रणव पांडे सर जैसा बनना है तो मिस्टर अवधेश नारायण सर जैसा बनना है। ये तो सबसे बड़ी चीज, बनना ही चाहिए इस तरीके से। तो अपलाइन के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी डाउनलाइन ऐसा कंप्लेन कर रही है तो आपको सुधारने की जरूरत है। लेकिन आप सोचो ना कि जो बंदा खुद बिजनेस में सीरियस नहीं हो आपकी करियर क्या बनाएगा, तो ऐसे में आप उसको पकड़ के अपनी करियर क्यों खराब करके बैठे। ऑप्शन है आपके पास, कोई ना कोई एक्टिव अपलाइन होगा आपके बिजनेस में, आप उससे गाइडलाइन लीजिए और बिजनेस को डेवलप कीजिए, उसके पॉकेट में पैसे आएंगे, इसके चक्कर में हम अपना लॉस क्यों कर रहे हैं, अपना लॉस मत कीजिए। देखो एक बात तय है, ऊपर वाला आपकी मेहनत का फल आपको देने वाला है, दूसरे की मेहनत का फल नहीं मिलता, आपको आपकी मेहनत का फल मिलता है। तो कर्म तो आपको करना ही है, अपलाइन के कर्म का फल आपको नहीं मिलने वाला, याद रखना फल किसका मिलेगा, आपके कर्म का। तो अब अपलाइन काम करे या ना करे उससे क्या फर्क पड़ता है, आपने अगर कर्म किया तो आपका फल तो आपको मिलेगा ना, अपलाइन के कर्म का फल अपलाइन को मिलेगा, आपकी कर्म का फल आपको मिलेगा। तो इन बातों को लेके आप अपना बिजनेस बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, काम करते रहिए, और खास करके अपने नेटवर्क में तो ऐसी बातें आ ही नहीं सकती क्योंकि हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, जहां पे हर इंसान हर किसी को सपोर्ट करता है, हर किसी को डेवलप करता है। प्रणव सर, हमें लगता है कि आज का सेशन हमें क्लोज करना चाहिए, दो घंटे का टाइम हो गया और हम लोगों ने 20-30 क्वेश्चन ही कवर किए। दोस्तों दोबारा मिलेंगे आप लोगों से इसी तरह के प्रश्नों के जवाब लेके, और बड़ा अच्छा लगा कि लोग आज इस इंडस्ट्री में भी सफल होने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तब आता है जब इंसान उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, और ये इट्स अ गुड सिंबल फॉर द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लीडर्स
कि आप अपनी जिंदगी में, लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी अपनी करियर को लेके इतना ज्यादा सजग हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी ऐसा सोचते हैं कि उनकी करियर किस लेवल तक बनाई जा सकती है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। इसलिए पीएस वेलनेस में आज लगभग 6 लाख लोगों का परिवार बन चुका है, 30 से ज्यादा डायमंड खड़े हो चुके हैं। मुझे खुशी इस बात की नहीं होती कि लोग यहाँ बिजनेस में डायमंड बनते, सबसे खुशी इस बात की होती है कि अपनी टीम में जो लोग जीरो से शुरू हुए थे आज वो लोग करोड़पति बन रहे हैं, पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ये अपने लिए खुशी और गर्व की बात है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो सबसे खास चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ वो जो फील है ना कि आपके माध्यम से किसी इंसान को ये मौका मिला और वो इस इंसान की जिंदगी बदल रही है, ये जो फील देगी माय डियर फ्रेंड, इसका तोड़ कहीं भी नहीं है। और ये इमेजिनेशन आप जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकते। तो दिन बदलता जा रहा है मेरे दोस्त, समय बदलता जा रहा है। आज एसलीपीएस वेलनेस फाइटर्स जितने भी लोग हमें यहाँ से देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, झोंक के काम कीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। दो बातों का हमेशा ध्यान रखिए। सबसे पहला चीज, अपने अपने शहर में अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं, सिस्टम को जरूर डेवलप कीजिए। फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे की जो मीटिंग होती है उस पर जरूर ध्यान दे, उसको कभी इग्नोर मत करें। दूसरा चीज, अपलाइन के साथ एक अच्छी फाइन ट्रेनिंग बना के काम करें। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लगे रहें। सफल बनना है, सफलता का एक शब्द में अगर मैं मूल मंत्र बताऊं तो ये है, टिके रहो। बहुत सारे लोग आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे, बहुत सारे लालच देंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे, जो टिकेगा वही पाएगा। तो टिके रहो, प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। आज मैं गर्व के साथ ये बात बोल सकता हूं कि हम लोग हिंदुस्तान की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी एसलीपीएस वेलनेस के परिवार के हिस्सा है। मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं कि आज हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिजल्ट अपने पास है, सबसे पावरफुल प्योर सिस्टम अपने पास है, और हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव गुरुजी आज हमारे साथ हैं। तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, इतनी पावरफुल टीम है। दोस्तों, आप लोगों ने जैसलमेर के टारगेट में जी जान लगा दिया, मतलब बेंचमार्क हम लोगों ने बीट किया। 500 से ज्यादा लोग जैसलमेर टारगेट अचीव किए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे लोग पिछले महीने में ब्लैक डायमंड बने, जिसमें प्रणव सर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणव सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मिस्टर जितेंद्र मौर्या जी को बहुत बहुत बधाई हो। मिस्टर आदित्य सर, जो कल ही ब्लैक डायमंड बने, आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सारे लोग लग्जरियस गाड़ियां लिए हैं और लेने वाले हैं, उन सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, मेरी ये आशाएं है कि जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर 1% भी विश्वास करके अपनी करियर लगाई है, मेरा ऊपर वाले से यही दुआ है कि आपकी करियर हमेशा बनती रहे। आप लोग इसी तरीके से दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा प्रणव सर, और दोबारा हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि क्वेश्चन का सिलसिला अभी खत्म हुआ नहीं है। आज हम लोग ने कुछ बेसिक टॉपिक को कवर किया था, अगली बार कुछ हम लोग स्ट्रीम लेवल एक खास डायरेक्शन में लेके इस इंडस्ट्री को चर्चा करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि इस तरह के जो ऑब्जेक्शन सोल्यूशन क्वेश्चन है वो लगातार आप लोगों के बीच में आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और पैनल में मौजूद हमारे मित्र मिस्टर प्रणव पांडे सर की तरफ से आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस शानदार सेशन को अटेंड करने के लिए। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके डायरेक्ट सेलिंग की करियर को लेके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।